प्रातः क्लास चल रहा था 31/3/1967 शुक्रवार को पांचवें के पेज के मध्य में बात चल रही थी ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैंने बहुत गुरु किए कोई भी साधु संत महात्मा ने नहीं बताया कि आत्मा क्या है। क्या चीज से बनती है नहीं सुनाया। कि परमपिता परमात्मा क्या है किसकी किसकी बात पूछी। परमपिता परमात्मा क्या है दो शब्द बोले परमपिता और परमात्मा। दोनों की बात नहीं बताई न परमपिता बताया न परमात्मा बताया न ये बताया कि परमपिता क्यों पहले कहते हैं और परमात्मा बाद में क्यों कहते। ऐसे क्यों नहीं कहते परमात्मा परमपिता जैसे कहते हैं शिव शंकर क्यों नहीं कहते शंकर शिव। दो नाम है शिव शंकर दोनों का नाम साथ साथ ले देते हैं परंतु शिव माने कल्याणकारी शंकर माने विनाशकारी। संकरोति संहार करता है तो काम तो दोनों के अलग अलग हैं नाम भी तो अलग अलग होने चाहिए दोनों को मिला के एक क्यों कर दिया। तो कोई बात नहीं बताते। ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई परमात्मा को नहीं जानते नहीं आत्मा को भी नहीं जानते। आत्माओं में परम पार्टधारी आत्मा कौन है हीरो पार्टधारी सच्चरूपी रंगमंच पर कौन है वो भी नहीं जानते और जो सामान्य पार्टधारी आत्माएं हैं वो क्या है ये भी नहीं जानते। अगर आत्मा को जान जावे तो परमात्मा को भी फट से जान जावे क्योंकि आत्मा शब्द से पहले क्या लगा है परम परम माने बड़े परे थे परे जिसकी स्टेज पर कोई पहुंच ही न सके ऐसा परे थे परे परम पाटीधारी। अगर आत्मा को जान जावे तो परमात्मा को भी फट से जान जावे परंतु न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते क्योंकि दुनिया में भी कोई बच्चा अपन को जान जाए कि मैं कौन से वंश का हूं किसकी औलाद हूं तो बाप को भी जान जाए। बच्चा जानेगा ना कि वो आया कहां से निकला
हैं? अरे कोई भी बच्चा होता है संसार में तो अपन को जान जाए कि मैं कहां से आया, जान जाए तो क्या बताएगा कहां से आया है? अरे दुनिया भी बच्चा माँ बाप से आया, दोनों में से किससे पहले आया? पहले माँ से आया, दोनों से इकट्ठा आया। अगर माँ से आया कहें तो माँ में भी पहले किसी से आया कि नहीं आया? हैं? बाप से आया, जान जाएगा ना। तो मूल तो बाप हुआ ना, है? बाप ने बीज डाला, माँ ने संभाला उस बीज को। माँ धरती माता कही जाती है, धरणी माता, धारण करने वाली माता। बीज को धारण किया ना। बाप तो अपने अब अंदर जिंदगी भर धारण करके नहीं रख सकता। कोई ऐसा बाप है, है? जो अपने बीज को, अपने अंदर के बीज को जिंदगी भर धारण करके रखे, है? नहीं रख सकता। अगर जबरदस्ती भी अपने ऊपर करे कि मैं जीवन भर धारण करूंगा, जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, तो हो सकता है? हैं? वो बीज इतना पावरफुल होता है कि वो अपने अंदर जीवन भर धारण करके रख ही नहीं सकता। दुर्योधन दुर्शासन जरूर बन पड़ेगा। पाप कर बैठेगा, महापापी बन जाएगा। तो कौन धारण करती है? माता, उसको चाहिए ना धारण कराने के लिए। माता या कन्या चाहिए तो वो माता कन्या रूपी धरणी में बीज बो देता है। अगर बच्चा ये जान जाए कि ये मेरी माता है और वो मेरा पिता है, पिता ने बीज बोया और माता ने धारण किया, तो दोनों को जान जाएगा ना। ऐसे ही वेद में, क्या वेद में भी अगर आत्मा जान जाए, क्या कि मुझे किसने जन्म दिया, कहेगा माता ने जन्म दिया। कहां से निकला? माता से निकला है। तो मनुष्य सृष्टि में विचार करना चाहिए, आत्माएं जितने भी बच्चे हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसे कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक कुटुंब है, परिवार है। तो परिवार को पालने वाली माता। तो आत्मा अगर जान जाए कि इस मनुष्यों के परिवार को पालने वाली कोई माता थी मूल रूप में, तो वो बाप को भी जान जाएगा। कोई मनुष्य मात्र कि आत्मा इस सृष्टि पर ये जान पाई कि हम आत्मा रूपी बच्चे मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर कहां से आए, सृष्टि की आदि में आखिर किसी ने तो शुरुआत की होगी।
पहला मनुष्य सृष्टि में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? है? तो जो पहला मनुष्य सृष्टि में बच्चा हुआ, आदि का बच्चा, उसे इतना तो जानते हैं धर्म पिताएं। मुसलमान कहते हैं आदम, अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, हिंदू कहते हैं आदिदेव, जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ। इतना नाम जानते हैं, फिर काम नहीं जानते कि वो जो आदि था मनुष्य सृष्टि का बीज, वो बीज था, बाप था। बीज को ही बाप कहा जाता है, ये कोई आत्मा ने नहीं जाना। बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले, जैसे क्राइस्ट। दुनिया के मनुष्यों की आबादी 500-700 करोड़, उसमें से आधी आबादी लगभग क्रिश्चियंस की है। वो अपना धर्म पिता क्राइस्ट को तो मानते हैं, और क्राइस्ट भी ये मानता था एडम को। लेकिन वो एडम सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप था, ये कोई नहीं जाना, कोई नहीं जाना। अच्छा, वो अगर बीज रूप बाप था तो उसने बीज को कहां बोया? बीज के लिए तो धरणी रूपी धारण करने वाली माता चाहिए ना। बीज के धारण करने वाली माता ही नहीं होगी तो बीज पैदा होगा? है? पैदा ही नहीं होगा। तो कोई ने नहीं जाना कि जो मनुष्य सृष्टि रूपी नंबरवार बच्चे हैं, वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए कहां से? और उन बच्चों में जो भी पहला बच्चा होगा वो निकला कहां से? जहां से निकला वो हो गई मां, उस मां में जिसने बीज डाला वो हो गया बाप। तो इसलिए बाप को आना पड़ता है बताने के लिए। कौन से बाप को? आत्माओं के बाप को। है? आत्माओं के बाप बेहद का है, हद का? बेहद का बाप है। बेहद आत्माएं हैं, उन सब बेहद आत्माओं का जो बाप है वो इस सृष्टि पर आकर के बताता है। क्या बताता है? ऐसे तो गीता में लिखा हुआ है, श्लोक है, अहम बीज प्रदपिता। क्या? मैं बीज बोने वाला, बीज डालने वाला पिता हूं। लेकिन अर्थ करने वालों ने जाना ही नहीं, टीकाएं ढेर की ढेर कर दी। ये किसी ने नहीं जाना कि वो कौन सा बीज पोता है, कौन सा बीज डालता है। इतना भी जानते थे कि मनुष्य सृष्टि में जो पहली पहली खेप आई ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा ने इस मनुष्य सृष्टि में जिन पहले चार बच्चों को उत्पन्न किया वो मानसी सृष्टि थी। इतना भी शास्त्रों में लिखा हुआ है मनुष्यों ने, लेकिन फिर ये ही नहीं जान पाए कि जो ब्रह्मा, जिसका अर्थ ही होता है ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां, वो बड़ी मां में बीज किसने डाला? तो ये बताने के लिए बाप को आना पड़ता है। पहले पहले रियलाइज कराते हैं आत्मा को। क्या? क्योंकि दुनिया में कोई से भी पूछो मनुष्य से,
तुम क्या हो, कौन हो? तो कोई जवाब देता है हम पुरुष हैं, कोई कहता है हम स्त्री हैं, कोई कहता है हम डॉक्टर हैं, कोई कहता है हम मास्टर हैं, कोई कहता है हम भिखारी हैं। उनसे पूछो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम क्या थे? क्या मास्टर है, डॉक्टर है, भिखारी थे? नहीं। तो फिर तुम क्या हो, वास्तव में तुम क्या हो? तो सब चक्कर में पड़ जाते हैं। तो बाप बताते हैं, तुम तो अपने देह की बात बताते हो कि हम डॉक्टर हैं, हम राजा हैं, हम भिखारी हैं। देह से जो कर्म करते हो वो कर्म का नाम बता देते हो, करने वाले का नाम। ये नहीं बताते तुम आखिर कौन हो। वास्तव में तुम आत्मा हो। जब पैदा हुए थे तब भी तुम आत्मा थे और अभी भी तुम आत्मा हो। ऐसे नहीं जब तुम बच्चे पैदा हुए थे तब तुम शिशु थे, फिर बड़े हुए किशोर हो गए, फिर और बड़े हुए नौजवान हो गए, फिर और बड़े हो गए वयोवृद्ध हो गए। अरे ये कोई बदलते रहते हो तुम? नहीं, ये तो तुम्हारा शरीर बदलता है, देह बदलती है, तुम बदलते नहीं हो। तुम तो सदा काल आत्मा थे और अभी भी आत्मा हो। तो पहले पहले ये बातें रियलाइज कराते हैं, वास्तविक में तुम क्या हो, रियल आत्मा का पहचान देते हैं। तो जो आत्मा को रियलाइज करते हो, वो आत्मा का रियलाइजेशन बाप के बगैर कौन कराएगा? क्या बाप के बगैर आत्मा का, आत्मा रूपी बच्चों का रियलाइजेशन कोई नहीं करा सकता? तो बाप कहते हैं, अभी तुम तो समझते हो ना, कोई बच्चे से पूछा तुम क्या जानती हो, आत्मा क्या है, कहां रहती है, क्या होती है, तो तुम बता देती हो आत्मा फलाना है, माने आत्मा एक ज्योति बिंदु है, स्टार मिसल है, आत्मा में मन बुद्धि की शक्तियां हैं, उस मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये आत्मा ब्रकुटी के मध्य में रहती है। कहाँ रहती है? है बड़ी पूरी कुटी। कैसी कुटी? बड़ी पूरी कुटी में रहती है। जहां रहती है आत्मा, वहां उसको ढूंढेंगे तो जल्दी मिलेगी ना, है? माना इस शरीर में उसके रहने का स्थान कहाँ है? ब्रकुटी, बड़ी पूरी कुटी है। शरीर में कहीं भी गोली मारो, इंदिरा गांधी को छाती में 27 गोलियां दाग दी, लोगों को लगा कि ये जिंदा है और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ले जाते रहे। अगर एक ही गोली मारने वाले को पता होता कि ब्रकुटी में रहती है तो उनका निशाना तो अचूक होता है, तब तो बड़े आदमी के बॉडीगार्ड बनते हैं। तो एक ही गोली में काम तमाम कर देता, लेकिन नहीं जानता था। तो बताया कि ब्रकुटी में आत्मा रहती है और उसकी यादगार में
कन्याएं माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं। क्या कोई कहे कन्याएं माता ही क्यों लगाती है, पुरुष उतना क्यों नहीं लगाते? हाँ कोई पंडित वंडित होते हैं तो टप लगा लेते हैं। तो ये भावना की बात है। क्या जैसे कवियों में बड़ी ऊंची भावना होती है, भावना अच्छी चीज है खराब चीज है? भावना है अच्छी चीज है खराब चीज नहीं? अच्छी भावना भी होती है और बुरी भावना भी होती है। तो माताएं ब्रकुटी के बीच में बिंदी आज भी लगाती हैं, ये यादगार है कि देह के रूप में न देखो। कोई हमें देखे तो क्या करे, किस रूप में देखे? आत्मा के रूप में देखे। क्योंकि गीता जब लिखी गई थी 2,500 साल पहले, कोई ऋषि मुनि ने नहीं लिखी होगी? ऋषि मुनि मनुष्य ही तो थे, तो वो तो बहुत विद्वान थे। उन्होंने बता दिया ब्रवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक, जब शरीर छोड़े तो ब्रकुटी के मध्य में प्राण को स्थिर करके स्मरण करे। तो गीता में ये इशारा तो मिलता है कि आत्मा कहाँ है, कहाँ रहती है इस शरीर में। तो वो कवियों की जो भावना है, वो भावना माताओं में अभी तक भी बरकरार है। माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष नहीं लगाते। क्यों है? पुरुषों में भावना प्रदान होती है या बुद्धि प्रदान होती है? उनमें बुद्धि प्रदान होती है, भावना प्रदान नहीं होती है। तो बुद्धि की प्रधानता के कारण वो बुद्धि बहुत चलाते हैं। क्यों क्या कैसे ये वह वो बात, और कहीं ठिकाने पे पहुंच नहीं पाते। तो उन्होंने नहीं लगाई। हाँ प्राचीन काल में हिस्ट्री में ये बात मिलती है कि जब पुरुष युद्ध में जाते थे तो कन्याएं माताएं उनको टीका लगाती थी ब्रकुटी में। क्या लगाती थी? हाँ किस आशा से? हाँ विजय का टीका लगाती थी कि तुम युद्ध में जाओ और विजयी होके आओ। ये विजय का टीका लगा दिया, इसकी स्मृति रखना। क्यों भाई ये विजय का टीका यहाँ ब्रकुटी में ही क्यों लगाती थी, नाक पे लगा देती है? नहीं समझा है? क्यों उनमें भावना थी माताओं में, जैसे हम बिंदी आत्मा हैं, ऐसे वहां जाकर के युद्ध में ये देह की परवाह न करें कि हम देह हैं। क्या क्या परवाह करें कि हम अजर अमर आत्मा हैं, हम युद्ध में विजयी होकर के जाएंगे। कोई सर भी काट देगा, शरीर खत्म कर देगा, तो भी हमारे अंदर भावना रहेगी। जहां कहीं भी हम आत्मा जाके जन्म लेंगे वहां फिर युद्ध करेंगे इन दुश्मनों के साथ, और युद्ध करके फिर भी विजय हासिल करेंगे। तो ये भावना प्रबल थी कन्याओं माताओं में, अपने लिए भी बिंदी और पुरुषों को भी विजय का टीका लगाती थी। तो ये सब बात बताने के लिए बाप को आना पड़ता है। किसको आना पड़ता है? बाप को। किसको बताने के लिए?
किसको बताने के लिए बाप को आना पड़ता है? बच्चों को। बच्चे एक या बहुत है? बहुत बच्चों को बताने के लिए बाप को आना पड़ता है। अच्छा, कौन से बाप को आना पड़ता है? आत्माओं का बाप सब बच्चों को बताता है, ये ज्ञान देता है। हाँ, आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है उस बड़े बच्चे को क्या, मनुष्य आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है कोई होगा या नहीं होगा? है। सृष्टि का आदि पुरुष आदम कहते भी है, मुसलमान कहते हैं ना, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसका मतलब यह है कि आदम खुदा के बहुत नजदीक है। क्या? जो खुदा खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। और जो बाप के अंदर, बेहद के बाप आत्माओं के अंदर जो ये खुद ही है कि मैं खुद ही जाऊं, मेरा कर्तव्य है कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच के सब बच्चे अपन को भूल गए तो उनको जाके परिचय दूं, तो वो आता है तो सबको नहीं परिचय देता है। बाप है ना, मनुष्य आत्माओं का बाप है या नहीं है? आत्माओं का बाप है, तो आत्माओं का बाप सब आत्माओं को देगा जो कुछ उसके पास है, कि कोई एक को देगा? है। हाँ, एक को क्यों देगा? अरे हिस्ट्री में देख लो, जितने भी राजाएं हुए हैं उन राजाओं ने बाप राजाएं राजा बने थे, बाप भी बने थे, तो बाप बनकर उन राजाओं ने अपनी राजाई किसको दी? बड़े बच्चे को दी। तो ये परंपरा कोई ने तो चलाई होगी, ये परंपरा चली आ रही है ना मनुष्यों में, कि हर बाप जो है अपने बड़े बच्चे को अपनी दुकान कारखाना सौंप देता है। तो ये परंपरा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो कहा जाता है, मनुष्य आत्माओं का बाप, उसने चलाई कि जब वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है, मनुष्य सृष्टि पर के मंच पर, तो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बड़े ते बड़ा लंबा पार्ट बजाने वाला, क्या, जो मनुष्य सृष्टि में पहले पैदा होने वाला, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली आत्मा है, उसको अपना सारा ज्ञान का भंडार देता है। क्या? उस बच्चे को अपना भी परिचय देता है, मैं कौन हूं, और बच्चे को भी परिचय देता है तुम कौन हो। सिर्फ प्राइमरी नॉलेज देता होगा, जैसे बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, हैं, ABCD सीखते हैं, काका गागा, गिनती सीखते हैं, पहाड़ा सीखते हैं, तो बेसिक ज्ञान है या गहराई का ज्ञान है? हैं, बेसिक ज्ञान है। तो जो बच्चों के स्तर की पढ़ाई है वो भी देता है कि तुम आत्मा हो ज्योतिबिंदु, और तुम्हारा बाप भी ज्योतिबिंदु है। फर्क क्या है? तुम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा हो, और तुम आत्माओं का जो बाप है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण?
तीन काल का ज्ञान लेना है। आप तीन काल का क्यों जानता है, कैसे जान लेता है? आसारी सब आत्मा का बीज वो है, वो जान लेता है तीनों कालों को। तो किस आधार पर जान लेता है? ठीक है, स्व स्थिति में रहता है। अब हमें पता चल गया हम भी स्व स्थिति में रह रहे हैं, रहते हैं कि नहीं, तो हम तीनों कालों को जान रहे हैं क्या? अच्छा, जब हम एक सेकंड रहते हैं स्व स्थिति आत्म की स्थिति में, तो उस समय तीनों कालों को जानते हैं एक सेकंड के लिए? नहीं जानते। तो आधार क्या है? कोई आधार है ना तीनों कालों को जानने का। तो तीनों कालों का जानने का आधार पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, तीनों कालों का जानने का आधार है कोई एक मनुष्य सृष्टि मंच की एक आत्मा है जो तीनों काल को क्रॉस कर जाती है। क्या सब है या एक ही है? एक ही मनुष्य आत्मा है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों सीन को क्रॉस कर जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को क्रॉस कर जाती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच से नेस्त नाबूद नहीं होती। क्या गायब नहीं होती? और आत्माएं है इस सृष्टि रूपी रंगमंच से गायब हो जाती। तो उस वो आत्मा जब तीनों काल को क्रॉस कर जाती है, पूरे कल्प को क्रॉस कर जाती है, तो वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। समझा? किसके आधार पर त्रिकालदर्शी बना? किसी के तीनों कालों को जाना या नहीं जाना? हैं? जाना। ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच के तीनों कालों को क्रॉस कर जाए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तीनों कालों को क्रॉस नहीं करते, वो तो बीच में ही आते हैं। क्या सतयुग त्रेता में होते हैं? होते ही नहीं, 2500 साल पहले आते हैं, तो वो तो क्रॉस करते ही नहीं। हाँ, वो धर्म पिता सब मानते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आदि पुरुष था जिसको आदम, एडम, आदिदेव कहते हैं, बस इतना ही जानते हैं। तो देखो वो त्रिकालदर्शी किसके आधार पर बनता है? कोई आत्मा है जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, उसके तीनों कालों को जान लेता है कि इस आत्मा ने ये तीनों काल क्रॉस किए। कौन है? कौन है वो आत्मा? है मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप बाप जो हमारे भारत के शास्त्रों में गाया हुआ है। एक है व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी है, या एक ही शख्सियत है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई बताता ही नहीं, जानता ही नहीं। उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब होती है, दुनिया में कोई जानता ही नहीं। कौन है? शंकर, शास्त्रों में गाया हुआ है। तो जिस शंकर एक ही आत्मा का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या और किसी का नाम शास्त्रों में शिव के साथ नहीं जोड़ते? उसी का क्यों जोड़ते? क्योंकि वो ही एक आत्मा है जो शिव सुप्रीम सोल
ये त्रिकालदर्शी बनने का आधार है। अगर वो आत्मा तीनों कालों को क्रॉस न कर पाए तो शिव त्रिकालदर्शी नहीं बनेगा। तो जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी बनता है उस आत्मा को ही सच रूपी रंगमंच पर से चुनता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। जो गीता में शब्द आया है प्रवेश तुम, क्या मैं प्रवेश करने योग्य हूं? मेरा दिव्य प्रवेश होता है, दिव्य जन्म है। मनुष्य आत्माओं के समान, प्राणियों के समान गर्भ से जन्म नहीं लेता, अंडे से जन्म नहीं लेता, भूत प्रेतों के समान किसी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष नहीं होता, जन्म नहीं लेता। क्या इन दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म से अलग मेरा जन्म है? कैसा जन्म? दिव्य जन्म। ऐसा दिव्य जन्म है कि जब मैं प्रवेश करता हूं तो कोई को पता ही नहीं चलता मैं कब आया और कब चला गया। पूछा ब्रह्मवाक्य वाणी मुरली में, इस ब्रह्मा को पता चलता है? इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता मैं कब आता हूं ब्रह्मा में और कब चला जाता हूं। हाँ, ये ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है कि मैं जिसमें आता हूं, क्या जिसमें आता हूं उससे काम निकालने के लिए नाम देता हूं। शास्त्रों में जितने नाम हैं काम के आधार पर नाम है ना। तो भले पुरुष तन में भी आता हूं, पुरुष तन में ही आऊंगा, पुरुष तन में आता हूं तो भी उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। जिस किसी भी पुरुष तन में आऊंगा नाम ब्रह्मा दूंगा। तो जिसे दादा लेखराज के तन में आया, दादा लेखराज नाम नहीं दिया, क्या नाम दे दिया? ब्रह्मा नाम दे दिया। सवाल यह है कि दादा लेखराज में कब से आया, कैसे पता चला? जब ऐसा वंडरफुल, ऐसी नई नई बातें सुनाते हैं जो दुनिया में नई नई सच्ची बातें कोई ने नहीं सुनाई, तो एहसास हो जाता है कि हाँ भगवान ये बातें सुनाता है। ये देहधारी इन बातों को नहीं जानता, ये तो अपने साक्षात्कारों का भी रहस्य को नहीं जानते थे। तो विश्वास होता है कि हाँ इसमें भगवान ने प्रवेश किया। तो सिद्ध होता है कि पता तब चलता है जब मुरली चलाते हैं। क्या जब ज्ञान की बांसुरी बजाते हैं तो पता चलता है कि इनमें बाप भगवान है। किस लिए आया वो तो पता चल गया, किस लिए आया? अरे दादा लेखराज में किस लिए आया है? है? स्वर्ग स्वर्ग ये नरक की दुनिया स्वर्ग बनाती है। मन ब्रह्मा से नरक नहीं बनता, स्वर्ग बनता है। रुको रुको रुको, ब्रह्मा से चार पुत्र पैदा हुए, एक ही पुत्र तो देवी देवता सनातन धर्म स्वर्ग का मुखिया है, स्थापन करने वाला बनता है प्रैक्टिकल में, बाकी तीन तो नरक बनता है कि नहीं? तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग और नरक दोनों का फाउंडेशन पड़ा या नहीं पड़ा? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग ही स्थापन होता है।
और इसे दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा तो स्वर्ग स्थापन होता भी नहीं, वो तो पहले ही शरीर छोड़ गए। 69 में स्वर्ग बना, ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं, बाबा हमको वर्षा दे गए स्वर्ग का सुख का, मेहलमानियां अटारियां दे गए, अब विश्व की बादशाही हमारी है, हम सबसे सबको दास दासी बना के हम काम लेंगे। गृहस्थ में रहने वाली माताओं को समझते हैं ये तो गिरी हस्ती है, बाप कहते हैं तुम गिरी हस्ती उनको समझते हो। बाप ने बोल दिया अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो देखो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो ब्रह्मा कुमारियां समझी कि बाबा हमको वर्षा दे गए सुख का, फिर रिजल्ट क्या हुआ है 76 में? 76 में जो घोषणा की थी लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ है, पुरानी दुनिया का ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो वो ब्रह्मा कुमारियां रह गई सरेंडर वाली, जो समझती थी हम अंदर के हैं, है? और उस बाप को किसने पहचाना? जो नारायण के रूप में या राम वाली आत्मा के रूप में राम बाप को कहा जाता है, वो राम बाप को ब्रह्मा कुमारियों ने पहचाना, अंदर वालों ने पहचाना या बाहर घर गृहस्थ में रहने वालों ने पहचाना? बाहर वालों ने पहचाना। तो बाहर वाले ले गए और अंदर वाले अभी भी रहे हुए, अभी भी वो बाप को नहीं जानते और बाहर वाले गृहस्थी बाप को जानते। तो देखो उन घर घर छोड़ने वाले साधु संन्यासियों ने, सफेद कपड़े वालों ने समझा कि हम ऊंची हस्ती हैं और ये सब गिरी हस्ती है, गृहस्थी है। लेकिन गीता क्या कहती है? गीता में भगवान ने आकर गृहस्थी अर्जुन को पांडवों को ज्ञान दिया, या द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह सन्यासियों को ज्ञान दिया है, गृहस्थियों को ज्ञान दिया? वो बात उस समय की वो ब्रह्म वाक्य है, क्या अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले? वो बात अभी एडवांस पार्टी में भी लागू होगी कि नहीं होगी? क्या कि जो अंदर सरेंडर हो करके बैठे हैं, बाप ने उनको अंदर रखा है, वो रह जावेंगे और बाहर वाले ले जाएंगे? क्या वंडरफुल बात! अरे ब्रह्म वाक्य हर समय लागू होगा, तीनों कालों में लागू होगा, कि कभी लागू होगा कभी नहीं लागू होगा है? वो तो भगवान के महावाक्य है ना, सदा सत्य वाक्य हैं, कभी झूठे भी हो जाते हैं नहीं? तो अभी भी ऐसे ही देखने में आ रहा है, क्या अंदर वाले अलबेले होते जा रहे हैं, क्या उल्टे पलटे, और जो गृहस्थी हैं, गीता पाठशालाएं बाहर चला रहे हैं, वो सच्चाई से चला रहे हैं। तो बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे। देखो अभी ये ग्लानी का बवंडर निकल रहा है, निकल रहा है ना? ये ग्लानी का जो बवंडर है, अफवाहों का, झूठी सच्ची अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, ये अफवाहें फैलाने में आज के जो साधन है आधुनिक दुनिया के, साइंस के साधन है ना, मनुष्यों के बनाए हुए, वो साइंस के साधन ये अफवाहें बड़ी तेजी से दुनिया में फैला देते हैं। झूठी सच्ची बातें फैलाने का इनको बड़ी पावर मिली हुई है,
तो ये साधन जो है सत्यानाशी है। इन्हीं मनुष्यों के बनाए हुए साधनों में एक साधन है बॉम्ब, है या नहीं, जो शंकर जी का काम करता है विनाश का। मनुष्यों का बनाया हुआ है, नर का बनाया हुआ है या भगवान का बनाया हुआ है? नर माने मनुष्य का बनाया हुआ। तो सारी दुनिया में आज दहशत फैली हुई है, जो एटमिक एनर्जी बनाई मनुष्यों ने, दहशत, पता नहीं कब एटम बम फटना शुरू हो जाए और सारी दुनिया का विनाश हो जाए। क्योंकि सन 45 में छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की बम्बियां छोड़ी गई थी और दो बड़े बड़े शहरों का टोटल विनाश हो गया। तो अभी तो ढेरों देश हैं जिनके पास हजारों हजार मेगावाट के बॉम्ब बने पड़े हैं, जमीन के अंदर सुरंगों में डाले हुए हैं सुरक्षित करके। सागर के पानी में पनडुब्बियों में तैर रहे हैं और आकाश में मिसाइल्स हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं। तीनों तरफ से घेरा हुआ है। क्या संभावना नहीं है कि वो फूटने लग पड़े? क्या हमारे घरों की सजावट के लिए बनाए गए हैं? नहीं बनाई। बहुत से लोग समझते हैं, अरे ये तो दुनिया ऐसे ही चलती आई है, ऐसे ही चलती रहेगी, तो ये तो बोई बात हो गई। जैसे बिल्ली कबूतरों के सामने आती है और कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं मारे डर के, बिल्ली आई नहीं, तो ये हालत आज मनुष्य सृष्टि की हुई पड़ी है। दुनिया का विनाश का मटेरियल सामने रखा हुआ है और दुनिया आंखें बंद करके अंधकार में चल रही है। कौन सा अंधकार? देह अहंकार का अंधकार। मैं देह हूं, देह माने पांच तत्वों का पुतला, पंचभूतों के आलोड़न में सारी बुद्धि मनुष्यों की लगी हुई है। ये पंचभूतों से जो ये शरीर बना है ना, इस देह के गहराई में घुसने के लिए, देह क्या है, देह के तत्व क्या हैं, देह के मटेरियल क्या है, इन मटेरियल्स की गहराई क्या है, उन पंचभूतों में बुद्धि लगी हुई है। भौतिक ज्ञान ले रहे हैं। कौन सा ज्ञान ले रहे हैं? भौतिक ज्ञान। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान किसी के पास नहीं है। आध्यात्मिक का मतलब यह, अधि माने अंदर, आत्मिक माने अंदर, आत्मा के अंदर क्या है ये कोई को सोचने की दरकार है ही नहीं, जानते ही नहीं तो सोचेंगे क्या। देह विनाशी है, आज है कल नहीं होगी, और आत्मा तो अविनाशी है। तो जो अविनाशी ज्ञान में बुद्धि चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। मनुष्यों की बुद्धि कहां चल रही है? देह के पंचभूतों के आलोड़न में सारी बुद्धि लगी। तो बाप आकर के इस पतन को थमाते हैं। क्या बताए कि तुम आत्मा हो, अविनाशी आत्मा हो, विनाशी देह नहीं। और जो अविनाशी आत्मा हो, बताया ये भी बताते हैं कि अविनाशी आत्मा का परिचय
अविनाशी बाप ही दे सकता है, बेहद के बाप ही दे सकता है। और बताता है कि बेहद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। मनुष्यों का बाप भी बेहद का, जैसे क्राइस्ट इतना बड़ा धर्म पिता कि दुनिया की लगभग आधी जनरेशन उसे बाप मानती है, तो भी हद का है। यह 500-700 करोड़ सभी मनुष्य मात्र का बाप है, है? हद का है। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप है, माने 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि उस बाप को एक दिन पहचानती जरूर है। इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली में है क्या क्या बाप है, क्या बात है, है? हाँ जी, बाप बताते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो कौन, मनुष्य आत्माओं का बाप कौन और आत्माओं का बाप कौन, और दोनों में अंतर क्या है। जो आत्माओं का बाप है वो सदाकाल आत्मलोक का रहने वाला है, क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता भी है तो भी मन बुद्धि रूपी आत्मा से, बुद्धि रूपी आत्मा से कहाँ रहता है, उपराम रहता है। इस मनुष्य सृष्टि में उसका कोई के साथ एक सेकंड का भी लगाव नहीं रहता। उसका लगाव कहाँ लगा हुआ है, उपराम है। इसलिए कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, क्या ऊंचे ते ऊंचे है, अच्छा ऊंचे ते ऊंचा बाप है तो वो क्या वर्षा देता होगा बच्चों को। बाप का मतलब ही है वर्षा दे, बाप है और वर्षा ही न दे बच्चों को तो किस बात का बाप। तो वो वर्षा क्या देता है, ऊंचते ऊंचे है तो ऊंचते ऊंच वर्षा देता होगा या नीचे वर्षा देता होगा, क्या है उसके पास ऊंचे ते ऊंचा वर्षा, वो जीवन मुक्ति खुद भोगता है तो तुमको कहां से दे देगा। अरे धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, हाँ वो निराकार आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार, निराकारी बाप के पास कौन सा वर्षा होगा, साकार वर्षा स्वर्ग का होगा। स्वर्ग साकार है या निराकार है, है? स्वर्ग साकार, तो निराकारी बाप के पास कहां से आ गया, वो तो खुद निराकार धाम का रहने वाला है, वहां तो कोई साकार चीज होती ही नहीं। निराकार आत्माएं 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 आत्मा रूपी बच्चे होते हैं आत्मलोक में, सोल वर्ल्ड में, जिसे मुसलमान अर्श कहते हैं, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो उसके पास स्वर्ग है ही नहीं, वो सुखदाम है ही नहीं, और वो सुख भोगता भी नहीं, भोगता है अभोक्ता, वो तो है ही अभोक्ता, तो वो भोगने का वर्षा कहां से देगा। इसलिए वो बताता है क्या, वो ये बात बताता है, अरे हमारी भी बात सुन लो, कानाफूसी बात में कर लेना, क्या बताता है,
कि मैं आता हूँ तो तेरा परिचय भी देता हूँ और अपना परिचय भी देता हूँ। तेरा माने किसका? मनुष्य शक्ति के बाप का परिचय बाप को ही देता है, बड़े बच्चे को ही देता है। कोई छोटे बच्चे उसका परिचय प्राप्त नहीं कर पाते। बेसिक ज्ञान ले लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़ा बच्चा है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे के मुकाबले सब छोटे हैं, बच्चा बुद्धि है तो बच्चा बुद्धियों को नहीं देता। बच्चा बुद्धियों को सिर्फ बच्चा बुद्धि का बेसिक ज्ञान देता है, तुम ज्योति बिंदु आत्मा। वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो बेसिक ज्ञान जानते हैं क्या? हम आत्मा, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। उनसे पूछा जाए तुम आत्मा हो, तुमको आत्मा का ज्ञान मिला, तो ये बताओ तुम कौन सी आत्मा हो? इस मनुष्य सच्ची रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, तुम कौन से नंबर की आत्मा हो? इस सच्ची रूपी रंगमंच पर तुम कब आई? कोई बताएगा? है नहीं बताएगा। इस बात की जानकारी इस मनुष्य सृष्टि के रंगमंच पर उस आत्मा को पहले होती है जो मनुष्य आत्माओं में बड़ा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है। वो पहले जानता है मैं कौन हूं। और कब जानता है? जैसे सब धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर धर्म स्थापन करते हैं, वैसे ऊंचित ऊंचा ऊंचा भगवंत भी क्या, जो स्वधर्म का ज्ञान देता है वो भी 100 साल के अंदर देता है। तो 100 साल के अंदर उसका जो बड़ा बच्चा है अपना गहरा ज्ञान कब से ले लेता है? कब से कहें वो अपना गहराई का ज्ञान जान जाता है, अपनी आत्मा के बारे में विशेष जानकारी मिलने लगती है जो बेसिक वाले बच्चों को नहीं मिलती। बेसिक वाले बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं मैं बिंदु आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बस। ये नहीं जानते कि मैं आत्मा सच्ची रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूं। तो ये पहले पहले कौन जानता है? अरे हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसकी तरफ इशारा किया। 5 दिसंबर याद है? हाँ, हाँ, 5 दिसंबर को शिव बाप ज्योति बिंदु और उसका बड़ा बच्चा ज्योति बिंदु दोनों आत्माओं का बिंदु बिंदु रूप में मेल हुआ पहली बार। ये बात अव्यक्तवाणी में बता दी पहले ही। सुना या सुनते रहे? एक कान से निकाल सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। किसने सुना? हाथ उठाओ। हाँ सुना। तो जिन्होंने सुना वो इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि जो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं मनुष्य सृष्टि में, उन मनुष्य सृष्टि में आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, उस बड़ा भाई ने पहले पहले जान लिया और उस स्टेज में स्थिर हो गया। प्रैक्टिकल में ज्योति बिंदु बनकर बाप से पहले पहले मिलन मेला हो गया। पहले पहले बाप की स्मृति की गोद में कौन सा बच्चा टिका, बाप से मिला?
बड़ा बच्चा। तारीख बता दी, कौन सी तारीख को? 5 दिसंबर। सवाल पैदा होता है कौन से सन का 5 दिसंबर? क्यों आगे पीछे क्यों नहीं? इसलिए आगे पीछे नहीं कि ये संसार रूपी जंगल है, है? इस संसार रूपी जंगल में एक ही शेर होता है एक टाइम पर सारे जंगल का राजा, जिसका मुकाबला जंगल के जानवरों में आमने सामने आकर कोई नहीं कर सकता। वो कौन था 69 से पहले, 18 जनवरी से पहले? मनुष्य सृष्टि में कौन था ब्राह्मणों की दुनिया में जिसका सामने आकर ज्ञान से मुकाबला इस मनुष्य सृष्टि के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने कोई ने नहीं कर पाया। सब डरते रहे, अंदर अंदर से डरते थे कि हम तो ज्ञान सुनाते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है, और ब्रह्मा के पास जाते थे, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते थे तो बीसियों ऐसे प्रूफ देती थी कि उनको पक्का अंदर से एहसास हो जाता था कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है और आत्मा सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और शिवो हम तो हो ही नहीं सकता। तो कोई ने हिम्मत नहीं की उस शेर के सामने आकर के मुकाबला करने की। हिस्ट्री ऐसे कहती है ब्राह्मणों की दुनिया की। उन्होंने भी 18 जनवरी को 69 को शरीर छोड़ दिया। तो 69 में शरीर छोड़ा तो 69 के बाद 69 सन में जो संसार रूपी जंगल है वो राजा के बगैर खाली रहेगा या कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा शेर बनकर? आ गया, उसी वर्ष में आ गया। और उस वर्ष में आने के बाद 6 दिन के अंदर से 7 दिन के अंदर कोर्स लिया ब्रह्मा कुमारियों का। नहीं, शरीर तो ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा है, ब्रह्म वाक्य है मुरली में, राम फेल हो गया। क्या बोला? राम फेल हो गया। तो जो फेल हो गया उसको बाप ने तीर कमान दे दिया, जाओ कमाओ खाओ, शिकार करो मारो और खाओ। तो वो आत्मा जो शरीर छोड़ गई, जिसके लिए बोला कि लाश भी गुम कर दी। क्या बोला मुरली में? लाश भी गुम कर दी, माना मारा गया। तो बाबा बताते हैं जो ब्राह्मण बनकर के शरीर छोड़ते हैं वो दोबारा ब्राह्मण बनकर के आएंगे या नहीं आएंगे, और ज्यादा पावरफुल बन के आएंगे या कमजोर बन के आएंगे? ज्यादा पावरफुल बन के, पूर्व जन्म की जो अथॉरिटी है ज्ञान की वो लेकर के आएंगे। तो वो आत्मा 69 में ज्ञान में आती है और 1970 शुरू होते होते वो होने से पहले ही 69 में ही, 69 पूरा होने से पहले ही 7 दिन का कोर्स लेकर के ज्ञान में पक्का फाउंडेशन पड़ जाता है। क्या पक्का फाउंडेशन? मैं ज्योतिबिंदु आत्मा स्टार हूं, जैसे मेरा बाप स्टार है, आत्माओं का बाप स्टार है और मैं भी स्टार हूं। मैं देह नहीं हूं, देह को भूलना है और क्या याद करना है? स्टार को याद करना है भ्रकुटी में। तो ये बात है कि फाउंडेशन शुरुआत में जितना पक्का होगा पुरुषार्थ का, क्या कोई मकान बनाते हैं ना, तो
तो मकान का फाउंडेशन नींव जितनी गहरी होगी उतना ऊंचा मंजिल का मकान बन सकता है। तो वो आत्मा जब से इस बात को जानती है कि मैं आत्मा ज्योतिबिंदु स्टार मिसल हूं, तब से स्मृति का पक्का अभ्यास करने में लग जाता है, रग लग जाती है कि मैं देह को भूल जाऊं और मुझे क्या याद रहे, आत्मा याद रहे, देह याद ना आए। तो 6 दिन का कोर्स लेते लेते ही 5 दिसंबर आते आते ही बुद्धि में पक्का स्मृति हो जाती है कि मैं देह नहीं हूं, क्या हूं, स्टार। और जैसे ही वो स्मृति पक्की होती है स्टार की, वैसे ही जो बाप है वो बच्चे से मिलता है। मेल कब होगा? समान होंगे तब मेल होगा, या एक चीटी होगा और एक हाथी होगा, उनकी शादी कर दो तो मेल होगा? हैं? बिल्कुल मेल नहीं होगा, समान से ही मेल हो सकता है, ऐसे ही है ना। तो वो ज्योतिबिंदु बाप बेहद का, तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में कैसा होना चाहिए? स्मृति स्वरूप से देह की स्मृति करने वाला नहीं, काहे की स्मृति में टिका हुआ, ज्योतिबिंदु स्टार आत्मा की स्मृति में टिका हुआ, भले 4-6 सेकंड ही सही। तो दोनों आत्माओं का पहली बार मिलन का टाइम बताया, डेट बता दी, क्या बताई, 5 दिसंबर, कौन से सन का, 69 में ही एक शेर ने शरीर छोड़ा संसार रूपी जंगल में, जो दहाड़ मार रहा था ज्ञान की, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, और उसके शरीर छोड़ने के बाद उसी वर्ष में दूसरा शेर तैयार हो गया। वो भी ऐसा शेर है, ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा शेर है कि उसका कोई भी मुकाबला ब्रह्मा कुमार या कुमारी वाचा से कर ही नहीं सकती। क्या 7 दिन की भट्टी होती थी उस समय? क्या 69 से 7 दिन की जो भट्टी ब्रह्मा कुमारियों में होती थी, स्पेशल भट्टी में कभी अधर कुमारों को बुलाया जाता था, कभी माताओं को बुलाया जाता था, कभी कुमारों को बुलाया जाता था, तो कुमारों की ऑल इंडिया से इकट्ठा करके जो भट्टी हुई, उस ऑल इंडिया से इकट्ठे हुए ब्रह्मा कुमारों की भट्टी में ब्रह्मा कुमारियों ने हिम्मत की कि जिस भाई को जो प्रश्न पूछने हो तो क्लास में पूछ सकते हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन के बाद घोषणा कर दी कि जिसे जो प्रश्न पूछना हो तो पूछो, और कुमार तो बुद्धि के बहुत तीखे होते हैं, उन्होंने पूछना शुरू किया और दीदी दादी दादाओं को जवाब आया ही नहीं, हड़बड़ा गए, क्रॉस क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए कुमारों ने, और वो हड़बड़ा गए और अगले दिन से कैंसिल, प्रश्न उत्तर का क्लास कैंसिल हो गया। तो जरूर उस भट्टी में पावरफुल आत्माएं आई हुई थी, उनका मुकाबला ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई नहीं कर सकता, और बाहर की दुनिया में भी जो पंडित पुजारी विद्वान मौलवी कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो यही बात है, दूसरा शेर आया और उसके ज्ञान की दहाड़ का कोई को जवाब
नहीं आ सकता, आमना सामना करने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। ब्राह्मणों की दुनिया का भी कोई दिग्गज नहीं जो सामने आकर के सवाल जवाब करे। क्या ओ शेरों की जमात, उसका परिवार होगा ना, जमात ऐसी है कि वो प्रश्न करेंगे, उनका जवाब भी देंगे। लेकिन बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में कोई दीदी दादी दादा या अथॉरिटी नहीं है जो उन प्रश्नों का जवाब दे सके। प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ बोलने की? प्रैक्टिकल बात है। ऑल इंडिया के लगभग सभी सेंटरों में वो प्रश्न दिए गए, लेकिन कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने जवाब नहीं दिया। तो देखो, तो बाप आकर के रियलाइज कराते हैं आत्मा का कि तुम आत्मा कौन हो, कौन सा पार्टधारी हो, कौन सा स्पेशल तुम्हारा पार्ट है, और जन्म जन्मांतर में भी तुम्हारा विशेष पार्ट क्या रहा। आत्मा पार्टधारी है ना, है? जन्म जन्मांतर चोले बदल बदल करके इस सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? बजाती है। तो पार्टधारी को अपने पार्ट का अच्छी तरह से रियलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है, होना चाहिए। यही बात ब्रह्मवाक्य मुरली में बाप ने बोली है, शिव बाप ने, कि वो पार्टधारी बेवकूफ है जो अपने पार्ट को ही रंगमंच पर भूल जाए। तो हम सब आत्मा रूपी पार्टधारी है। 84 जन्मों में अलग अलग चोले बदल करके हमने पार्ट बजाए हैं, इतना जान लिया। लेकिन क्या क्या पार्ट बजाए हैं, किस जन्म में कैसे चोले पहने, क्या नाम था, क्या रूप था, क्या स्थान था, कौन से देश बुझे इसके हम राजा थे, प्रजा थे, दास दासी थे, राज्य अधिकारी थे, कुछ पता नहीं। अगर पता है तो उसे बेवकूफ नहीं कहेंगे, वो डायरेक्टर की नजर में, जो डायरेक्टर पर्दे के पीछे सदैव रह करके प्रॉम्प्टिंग करता है उसकी नजर में वो ही पार्टधारी श्रेष्ठ, जो अपने अनेक जन्मों को जान ले। जैसे मिसाल के तौर पर राम वाली आत्मा होगी, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, माने इस मनुष्य सच रूपी रंगमंच पर जो बड़े से बड़े बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा है राम, वो राम वाली आत्मा के लिए इशारा दे दिया ब्रह्मवाक्य मुरली में कि शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। इशारा दिया कि नहीं? जो देव आत्माएं होती हैं नंबरवार, उनको इशारा ही काफी है। तो जो बड़े से बड़ा देव आत्मा, महादेव बनने वाली आत्मा होगी, वो तो इस इशारे को पकड़ेगी कि नहीं? पकड़ेगी। वो पकड़ेगी और फट से उसकी बुद्धि चली गई वाल्मीकि की तरफ, द्वापर युग में, कि वाल्मीकि रामायण किसने लिखी? बाप कहते हैं अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। अरे वाल्मीकि रामायण में किसकी कथा है? राम की कथा है। तो वाल्मीकि वाली आत्मा जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध है वो कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा हुई। इसी तरह कलयुग में तुलसीदास ने हिंदी में रामायण लिखी, तो बाप का वो वाक्य वहां लागू करो कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी। तो रामायण में जो
हिंदी में रामायण लिखी गई उसमें कौन आत्मा है जिसने अपनी ही महिमा की है? कहेंगे तुलसीदास। अरे तुलसीदास की महिमा थोड़ा ही है रामायण में, किसकी महिमा है? राम की महिमा। तो इससे क्या साबित हो गया राम वाली आत्मा को कि मैं ही राम की आत्मा हूं? दूसरी बात, बाप कहते हैं मैं भारत में आता हूं, क्या मेरा भूमि मेरा जन्म स्थान भारत है, भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला, किस में आता हूं? जो सदा ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है मैं उसमें आता हूं। अब चलो संगम युग में तो सभी ब्राह्मण नंबरवार ज्ञान की रोशनी में लगे हुए होते हैं, कोई 100% होगा, कोई 50, कोई 90, लेकिन सतयुग त्रेता में ज्ञान की रोशनी में कोई लगा रहता है क्या? नहीं, बुद्धू होते हैं सब है? हाँ, कहा जाता है कि देवताएं बुद्धू होते हैं। अरे बुद्धू होंगे तो दुखी होंगे या सुखी होंगे? दुखी होना चाहिए, बुद्धू माने अज्ञानी, अज्ञान से तो दुख आता है। और देवताएं दुखी होते हैं क्या? देवताएं तो बहुत सुखी होते हैं, हैं? मुसलमान लोग भी यार जन्नत को याद करते हैं, अंग्रेज लोग भी पैराडाइज को याद करते हैं, हेवनली गॉड फादर कहते हैं, गॉड फादर ने आकर हेवन की स्थापना की। तो देखो हेवन को तो सुख का धाम कहा जाता है, सुख धाम, जहां दुख का नाम निशान होता ही नहीं। तो स्वर्ग के नाम से तो सबके मुंह में पानी आ जाता है, चाहे कोई भी धर्म का हो, नास्तिक न हो। तो बताया कि स्वर्ग जो है वहां भी जो देवात्माएं कहे जाते हैं कि बुद्धू होते हैं, क्योंकि ज्ञान का विस्तार नहीं होता वहां, लेकिन सार तो होता है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये सार होता है या नहीं होता है? हर एक देव आत्मा अपन को ज्योति बिंदु समझता है या देह की ओर बिद्धि जाती है? है जब एक दूसरे को देखेंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे बच्चे राधा कृष्ण खड़े हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं तो क्या पेट को देखते हैं कि पांव को देखते हैं कि नाक को देखते हैं? कहां देखते हैं? आत्मा को देखते हैं, देह की तरफ उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। तो वो आत्माभिमानी हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, सार रूप में टिकते हैं। इस शरीर का सार क्या है? आत्मा। वृक्ष का सार क्या है? बीज। ऐसे ही सतयुग त्रेता में तो ज्ञान का सार है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग जब होता है तो वहां क्या होता है? वहां ज्ञान का विस्तार होता है या नहीं होता है? हैं? ज्ञान का विस्तार होने लगता है। तो जो ज्ञान का विस्तार होता है, उस ज्ञान का विस्तार करने में कोई आत्मा अग्रगण्य होगी या नहीं होगी? सबसे आगे जाने वाली, ज्ञान की रोशनी को इस द्वापर युगी दुनिया में फैलाने वाली कोई एक आत्मा होगी या नहीं होगी? कौन? है? है? द्वापर युग में से पहली रचा है विक्रमदित, उनका गुरु जो अभी राम बल्या। हाँ, जो विक्रमादित्य राजा था उसका जो गुरु था
वो उसको रास्ता बताता है राजा को, क्योंकि राजाएं द्वापर युग से सब विकारी होते हैं मनुष्य। तो विकारी मनुष्यों की बुद्धि भी कैसी होगी, विकारी उनकी बुद्धि रानियों का भोग भोगने में लगी रहती है। तो उनको श्रेष्ठ मत देने वाला कोई गुरु होता था। द्वापर युग में जितने भी राजाएं हुए हैं उनके राज परिवार में कोई राजगुरु होता था। हाँ, तो विक्रमादित्य का भी कोई गुरु था जिसने विक्रमादित्य को बताया कि शिवलिंग बनाओ है और उस शिवलिंग की स्थापना करो, मंदिर बनाओ, वहां पूजा करो, तो बुद्धि तुम्हारी वहां एकाग्र रहेगी। और यही फिर हुआ, सारे भारत में शिवलिंग बने, शिवालय बने। तो जो गुरु था उस गुरु ने ज्ञान दिया। तो बड़े से बड़ा गुरु कौन है शास्त्रों में? शास्त्रों में प्रसिद्ध है कोई बड़े से बड़ा गुरु? और ब्रह्मवाक्य मुरली में है कि पहले पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेद पहले गीता शास्त्र, पहले शास्त्र नहीं है, उनसे भी पहले गीता शास्त्र था। तो वो गीता शास्त्र में आज भी लिखा हुआ है व्यास प्रसादात। ये गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। अच्छा, आगे बढ़ो। वेद जो कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेदवाणी निकली, तो वेदों में भी नाम आता है वेद व्यास। किसका नाम आता है? वेद व्यास। वेदों की जानकारी में आस माने बैठ गया, दि माने विशेष रूप से बैठ गया, वेदों की जानकारी लेने के लिए वहां भी व्यास का नाम है। और भी आगे चलो, वो वेदों की जो ऋचाएं हैं, वेदों का जो व्याख्या है वो आगे के शास्त्रों में की गई। शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक और उसके बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद पुराण। तो पुराणों में भी जो सबसे बड़ा पुराण है वो है महाभारत। महाभारत जो है उसमें कौन से ऋषि मुनि का नाम आता है जिसने लिखा? व्यास ने लिखा। और श्रीमद् भागवत गीता, वो श्रीमद् भागवत, वो भागवत ग्रंथ भी व्यास ने लिखा। जो भागवत आज भारत में गांव-गांव में शहर-शहर में कथा होती है, गीता ज्ञान सुनने के लिए लोग इतना मजमा नहीं लगाते, और भागवत सुनने के लिए ढेर का ढेर मजमा लगाते। अभी वो भागवत की कथा जो आज के आधुनिक यंत्र हैं, मोबाइल और क्या बड़े स्क्रीन वाला, क्या कंप्यूटर, टीवी, उन यंत्रों के द्वारा उनका दुरुपयोग करके अफवाहें फैलाने के काम में ज्यादा लिया जा रहा है।
और सच्चाई को जानने के लिए निल। जबकि इन सब साधनों का जो माई बाप निकला है इंटरनेट, उस इंटरनेट की वेबसाइट में वो ईश्वरीय ज्ञान सारा ही बेसिक और एडवांस सारा ही डाला गया, उसे कोई नहीं देखता। क्या देखते हैं? जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, एडवांस ज्ञानी भी समझते हैं, वो कोई वेबसाइट को पूरा नहीं देखते। जो बोला है ब्रह्म वाक्य, बड़े से बड़ा बांब है परमात्मा प्रत्यक्षता बांब। जैसे दुनिया में बांब फूटता है तो इतनी जहर भरी बदबू निकलती है कि सूंघते ही खलास। ऐसे ही ये बेहद का परमात्मा प्रत्यक्षता बांब है, जो फूटता है तो ऐसी बदबू निकलती है भयंकर कि जो उस ग्लानी को सूंघता है, देखता है, पढ़ता है, बस क्या हो जाता है? माया अनिश्चय की गोद में सुलाए देती है या जिंदा रखती है? अनिश्चय की गोद में सोने लग पड़ते हैं, या तो कम से कम बेहोश जरूर होने लगते हैं। सुन सुन करके चेहरा ही उतरने लगता है। क्योंकि उससे पहले राम रहीम और कौन सा बाबा, आशाराम बापू, उनकी ढेर बातें सुनी मीडिया में, अखबारों में, मोबाइल में देखी, टीवी में देखी, इंटरनेट में देखी, और अभी ये तीसरा बम फूट पड़ा, परमात्मा प्रत्यक्षता बम, बड़े थे बड़ा बम। तो वो ग्लानी को सूंघने मात्र से ही बेहोश तो होने ही लगते हैं, और कोई तो मर ही जाते हैं। मर जाते हैं तो कहते हैं हमने तो अपनी कन्या दी हुई है वहां, भागो अपनी कन्या को उठा लाओ। तो ढेर के ढेर जो टीवी चैनल्स वाले भी दरवाजे पर भीड़ लगा के खड़े होते हैं कि हमें साक्षात्कार लेने दो अंदर वालों का, हम कैमरा लेके आए हैं, टीवी में हम सच्चाई डालेंगे। क्या, कौन सा टीवी? चैनल टीवी। और उधर उसी दरवाजे पर ढेर के ढेर माँ बाप आके रोते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं, हमको हमारी लड़की वापस करवाओ, हम अपनी लड़की को दे लेके जाएंगे। अब हमें विश्वास उठ गया। बहुत से आते हैं, हमने इतना पैसा दिया था, हमारा पैसा वापस करो, भगवान भगवान हम कुछ नहीं जानते। पूछा जाता है भाई काहे के लिए दिया था, तो नहीं बोलेंगे काहे के लिए दिया था, क्योंकि बताएंगे तो बोला जाएगा जिस काम के लिए तुमने दिया था उस काम में खर्च कर दिया गया। ईश्वरीय सेवा के लिए दिया था तो ईश्वरीय सेवा में खर्च कर दिया, अब कहां से लाए? तो भीड़ लगने लगती है कहां? अरे वहीं जहां ब्रह्म वाक्य है। माउंट आबू से इसी वर्ष ब्रह्म वाक्य बोला, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने ही गुलजार दादी के द्वारा बोला, दिल्ली में राजधानी बाप दादा स्थापन कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं?
दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे। अरे राजा की राजधानी राज्य स्थापन होता है तो कोई नया राज्य ऐसे ही स्थापन हो जाता है बिना लड़ाई के? है लड़ाई लड़नी पड़ती है कि नहीं लड़नी पड़ती है? तो ये सालों से बोलते चले आए हैं ब्रह्मवाक्य। क्या महाभारी महाभारत ब्राह्मणों की दुनिया में गृह युद्ध के रूप में सामने खड़ा है। तो ये बड़ी लड़ाई इंटरनेट में, अखबारों में, टीवी चैनल्स में, मोबाइल्स में और पब्लिक की चकचक में, चारों ओर ये आवाज फैलती है। और राम वाली आत्मा ने, तुलसीदास ने रामायण में क्या बोला? सदगुरु निंदा सुनिय न काना, होय पाप गौ घात समान। लोगों ने समझ लिया गौ तो जानवर है, तो जानवर को मारने से क्या पाप होगा? आज तो भारत में गौएं कटाने के कसाई खाने ढेर के ढेर सरकार ने खोल रखे हैं। उनका मांस काट काट करके विदेशों में भेजा जा रहा है, उससे कोई पाप बनता है क्या? है? पाप ही पाप बनता हो तो ये दुनिया कैसे चल रही है? तो कोई नहीं मानता, क्योंकि किसी की बुद्धि में नहीं है कि जानवर गऊओं को भगवान ने नहीं पाला था, भगवान ने तो ह्यूमन गऊओं की पालना की थी। गऊ क्यों कहा? क्योंकि जानवरों के बीच में एक गौ ही ऐसा जानवर है जो सीधे साधे गौ स्वभाव का होता है, वो भी विदेश की गौएं नहीं, जर्सी गायें। क्या नाम है? जर्सी, जरा सी गाय और बाकी सब पता नहीं कौन सा जानवर। उस दूध को पीने से कैंसर ही कैंसर की बीमारियां हो रही है, उसमें घी का नाम निशान नहीं निकलता। आज ऑल इंडिया में देखो जर्सी गायें पाल रहे हैं जो ज्यादा दूध देती हैं, या देसी गायें पाल रहे हैं जो 1-2-3 किलो दूध देती हैं? क्यों? क्योंकि भारतवासियों के ऊपर विदेशों का पूरा प्रभाव पड़ गया। भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जो मातृ देश है, माताओं का देश है। यहां की खासियत बताई, जैसे माता उसका कोई भी बच्चा छोटा सो खोटा ही क्यों न हो, माँ के पास आएगा तो गोद में पालेगी, दूर नहीं करना चाहेगी। तो ये भारत देश ऐसा है कि विदेशों से इतने आततायी विधर्मी आए और सबको भारत ने अपना लिया, सबको स्थान दिया। तो देखो मातृ देश एकमात्र है जहां से दुनिया की आबादी दूसरे धर्मों की शुरू होती है। क्या? क्योंकि पहले 2500 साल पहले सिर्फ भारत देश ही था अविनाशी धर्मखंड। 2500 साल पहले दूसरे धर्मखंड समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। 2500 साल पहले की कोई धर्मखंड की हिस्ट्री नहीं मिलती, न बौद्धी धर्मखंड चीन जापान की, न मुस्लिम धर्मखंड अरब देश अफ्रीका की, न क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप अमेरिका की, कोई की हिस्ट्री नहीं है। न ये पहले थे न आगे चल के रहेंगे। एक भारत देश ही है अविनाशी धर्मखंड।
और उस धर्मखंड में अविनाशी खंड में भगवान आता है, जमीन पर टपक पड़ता है, या गीता के अनुसार प्रवेशतुम शब्द आता है, प्रवेश करता हूं, प्रवेश करता हूं। अरे कोई जानवर में प्रवेश करता है क्या? नहीं। कोई मनुष्य है, जिस मनुष्य में प्रवेश करके वो भगवान प्रत्यक्ष होता है। मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है उसमें प्रवेश हो करके वो मनुष्य सृष्टि का फाउंडेशन डालता है। मनुष्य सृष्टि का फाउंडेशन मनुष्य ही डालेगा या निराकार डालेगा? मनुष्य ही डालेगा। तो उस मनुष्य को जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, उस आत्मा के बाप को ये एहसास होता है कि मैं अब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जाऊं जहां सब अज्ञानी हो गए, कोई ना अपने आत्मा को जानता न परमात्मा को जानता, उनको जाकर के परिचय दूं। तो परिचय देने के लिए तीनों काल में पार्ट बजाने वाली आत्मा को पकड़ता है, उसमें प्रवेश करता है, और वो आत्मा पहले पहले अपने स्वरूप का रियलाइजेशन करती है कि मैं आत्मा इस सच रूपी रंगमंच पर क्या विशेष पार्ट बजाने वाली हूं, कब रियलाइज करती है? अरे रियलाइज करने का कोई टाइम होगा या नहीं होगा? अपनी आत्मा के पार्ट को, विशेष पार्ट को पहचानने का कोई टाइम हुआ या नहीं हुआ? कब? 5 दिसंबर तो ये रियलाइज किया कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, स्टार हूं, मेरा बाप स्टार है। बेसिक नॉलेज का रियलाइजेशन किया, लेकिन बेसिक नॉलेज के बाद और गहराई है ज्ञान की कि मैं स्टार आत्मा जन्म जन्मांतर क्या क्या पार्ट बजाने वाली हूं। 76 हाँ, 76 में घोषणा कर दी ब्रह्म वाक्य मुरली में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष। तो हिसाब लगाते हैं तो 76 आता है, 66 की वाणी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे भी घोषणा दी हुई है, 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। पुरानी दुनिया माने ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश, और ब्राह्मणों की नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। माने ब्राह्मणों में जो शास्त्रों में गायन है, 9 कुरियां ब्राह्मणों की मानी गई हैं, उनमें जो अव्वल नंबर कुरी है उसकी स्थापना, और बाकी जो नंबर 2 से लेकर के 3rd क्लास 4th क्लास जितने भी हैं, उन कुरियों का, ब्राह्मणों का विनाश। विनाश का मतलब हाँ, उनको एहसास दिया जाएगा कि तुम तो मर गए, तुम अपने बाप को ही नहीं जानते, तुम तो मुर्दे हो। जो बाप को जानते हैं कि हमारा बाप प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, वो ही जानकार है। बाप को भी जानते, अम्मा को भी जानते। तो जो बाप को जानते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो 500-700 करोड़ समूची प्रजा का पिता है, वो प्रजापिता है शास्त्रों में, जो शास्त्रों में अंत में संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर प्रजापति कहा जाता है, विश्वपति। पहले विश्वपति होता है, पहले पति होता है कि पहले पिता होता है? हैं? पति पहले होता है, पहले पिता होता है, बीज बोने वाला। 500-700 करोड़ सृष्टि जब तैयार होती है, मनुष्य सृष्टि जो ज्ञान लेती है कि मैं आत्मा हूं, तो वो आत्माओं का बाप इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष होता है।
जो बोला है ब्रह्मबाग की मुरली में, क्या फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, और फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं मनुष्य आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते हैं, किससे? मनुष्य आत्माओं से मिलते हैं या सूकर कूकर अवतार से मिलते हैं? मनुष्यों से मिलते हैं। माने एक टाइम ऐसा आता है महाविनाश के समय, जब महामृत्यु होती है, हर मनुष्य आत्मा के शरीर का नाश होता है, वो टाइम तक हर मनुष्य आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपनी आत्मा के बाप को भी पहचानती है, और जो शरीर का बाप है, मनुष्य सृष्टि का साकार बाप है, उसको भी पहचानती है। क्या कोई थोड़े समय के लिए पहचानेंगे और कोई लंबे समय से, 76 से लेकर के तब तक अंत तक महामृत्यु के समय तक पहचानते हैं। तो देखो जितनी गहराई से पहचानते हैं उतनी ही गहराई से याद कर सकते हैं। ज्यादा ज्ञान होगा, पहचान होगी, तो याद भी गहरी आएगी। पूरी पहचान नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं होगा, तो याद भी नहीं आएगी। तो बताया कि एक टाइम ऐसा आएगा महामृत्यु के समय कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस साकार सो निराकार को पहचानेंगी। क्या चाहे वो किसी धर्म में कन्वर्ट होकर के भारतवासी गए हो, भारतवासी ही कन्वर्ट हुए ना, वो आत्माएं भी अंत समय में पहचानेंगी, और जो अपने अपने धर्म के पक्के हैं वो भी पहचानेंगे। जो हमेशा ही कहते आए कि गॉड इज निराकार, कोई भी विधर्मी विदेशी ये नहीं मानता कि भगवान साकार होता है, लेकिन अंत में उनको मानना ही पड़ेगा। जानेंगे कि इस मनुष्य सृष्टि पर एक आत्मा है जो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा। वो बरकरार रहे। तो बताया किस आधार पर बरकरार रहेगा? जो ब्रह्म वाक्य के मुरली में है, अपने बाप को याद करो, सुखदाम स्वर्ग को याद करो। क्या क्या याद करो? बाप को याद करो, सुखदाम स्वर्ग को याद करो, और अपने घर को याद करो जहां तुम्हें जाना है। हे ज्योतिबिंदु आत्माओं, जहां तुम्हें जाना है उस घर को याद करो। तो तीन तीन को याद करें या एक को याद करें? तो तीन क्यों कहा? कि तीनों ही कोई एक है जिसमें तीनों ही स्वरूप समाये हुए हैं। वो स्वरूप आज भी मंदिरों में पूजा जाता है, शिवालयों में, शिवलिंग जिसको गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना। क्या वो लिंग अव्यक्त मूर्ति है? मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। वो अव्यक्त क्यों कहा? क्योंकि उस लिंग मूर्ति में हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां दिखाई ही नहीं देती, इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति है। वो आत्मा जो लिंग रूप बड़ा रूप है शरीरधारी, वो आत्मा निराकारी स्टेज में ऐसी स्थिर होती है कि उसे इंद्रियों की स्मृति रहती ही नहीं,
इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति है। लिंग भी है, बड़ा रूप भी है और बिंदु भी है, जो सोमनाथ मंदिर में साकार रूप में दिखाया गया वो बिंदु भी है और बड़ा रूप भी है। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला कि छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप को ही याद करो, जिस बड़े रूप में मैं आता हूं। चित्रों में भी दिखाते हैं, गीता के मुख पृष्ठ पर क्या चित्र दिखाते हैं, अर्जुन का रथ है, शरीरम रथम विद्धि, शरीर को रथ समझ, शास्त्र में लिखा है। तो अर्जुन का जो शरीर रूपी रथ है उसमें वो प्रवेश करता है और उसकी इंद्रियों को चलाता है, इंद्रियों रूपी घोड़ों को उनकी लगाम अपने बुद्ध रूपी हाथ में लेता है। ये चित्र दिखाते हैं ना, तो इसे साबित होता है कि वो जो निराकार शिव है वो कोई मनुष्य शरीर में आता है, जो मनुष्य शरीर ज्ञान का अर्जन करता है इसलिए अर्जुन कहा जाता है। क्या बुद्धिमान नर अर्जुन, बुद्धिमान ही अर्जन करेगा कि बुद्धू अर्जन करेगा? बुद्धिमान होगा वही धनार्जन करेगा। आज के बुद्धू लोग क्या साहूकार बन पाते हैं? नहीं। तो अर्जुन का नाम पड़ा है क्योंकि उसने ज्ञान धन का अर्जन किया है। अर्जुन नाम इसलिए पड़ा है कि ज्ञान धन का अर्जन करके वो भाग्य सदभाग्य का अर्जन करता है। क्या जन्म जन्मांतर का सदभाग्य कमाता है। तो ऐसा सदभाग्य कराने वाला अर्जुन उसकी तरफ इशारा करके गीता में बोला, बोला क्या बोला, इदम शरीरम कौंतेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है क्षेत्र है, जो गीता का पहले अध्याय में बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो भी अनेकानेक धर्म इस दुनिया में फैले हुए हैं उन धर्मों के युद्ध क्षेत्र में, उन धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हैं कि भाई मरने के बाद जलाना चाहिए, मरने के बाद जमीन में गाड़ना चाहिए, मरने के बाद तालाब या कुएं के पास छोड़ना चाहिए, पारसियों में बोला है। तो ये जो कर्म कांड है धर्म के आधार पर, और सब आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं सब धर्म वाले कि हम जो कहते हैं, हमारा धर्म जो कहता है वो सत्य है, एक दूसरे को काट करते हैं और बड़े बड़े युद्ध होते रहते हैं। तो बोला अब ये बड़ा भारी युद्ध भगवान कराने के लिए आया हुआ है, ये युद्ध इस क्षेत्र से निकलता है। कौन सा क्षेत्र? अर्जुन का शरीर रूपी क्षेत्र। इस क्षेत्र का, इस युद्ध क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, जानने वाला कौन है, इस क्षेत्र के बारे में कौन जानता है? जो शरीर रूपी ये क्षेत्र है इसका पूरा जानकार कौन है? है कौन? हा, वो ज्ञाता है, वो जो शरीर रूपी क्षेत्र है वो ज्ञेय माने जानने योग्य है। क्या है? जानने योग्य है। क्या जानने योग्य? कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा यज्ञ कुंड है, जिस यज्ञ कुंड के आदेश पर हम तन मन धन स्वाहा करेंगे तो हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाएगी। क्या वो यज्ञ कुंड भी है, वो यज्ञ पिता भी है इस मनुष्य सृष्टि में। क्या? और यज्ञ कैसा है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है।
यज्ञ कुंड भी अविनाशी है कि विनाशी? अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड है, इसका विनाश कभी होने वाला नहीं। सारी दुनिया का विनाश होगा लेकिन इस ज्ञान का विनाश नहीं होगा। सतयुग त्रेता में भी सार रूप में रहेगा, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझेंगे देवात्मा है, और द्वापर युग से इसका विस्तार भी होगा इस ज्ञान का। तो उस समय से लेकर के अंत तक भी ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है, मुकर्रर रथ मेरा, ये मुकर्रर रथ रूपी आत्मा जो है वो अविनाशी है, इसका रथ का विनाश होने वाला नहीं है। द्वापर युग में जो बड़े बड़े युद्ध हुए, उन युद्धों में भी ये जीत पाने वाला है, हार खाने वाला नहीं। अलेक्जेंडर आया था ना, बड़ी सेना लेके आया ना, है द्वापर युग की बात है, हजारों साल पहले की। तो किसने भगाया, किसने मुकाबला किया? कोई था जिसके डर से मुकाबला करके भाग गया? चंद्रगुप्त हुआ, चाणक्य हुआ, है चाणक्य उसका गुरु, और चंद्रगुप्त राजा, तो भगा दिया गया नहीं है? ऐसे ही कलयुग में राणा प्रताप, छोटे से राज्य का राजा, और अकबर सारे देश का सम्राट, लाखों लाख सेना लेकर आता था, और महाराणा प्रताप की सेना हजारों में भी नहीं, 10,000, 20,000, 30,000, उनकी सेना हजारों में और उनकी सेना लाखों में, और फिर भी पूंछ दबा के कौन भागते थे? लाखों की सेना वाला अकबर, उसको पलायन करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने हार नहीं खाई, ऐसे ही शिवाजी, बीजापुर का सुल्तान, शिवाजी का बाप उस सुल्तान के यहां नौकर था, बाप सुबह शाम जाकर के सुल्तान के सामने कोर्निश करता था, शिवाजी ने उसके सामने सर नहीं झुकाया। क्या सुल्तान ने कहा उसके बाप से, शिवाजी के बाप से, तुमने अपने लड़के को कोर्निश करना नहीं सिखाया, बंदगी करना नहीं सिखाया मालिक की? तो उसने, बाप ने जवाब दिया, मैंने सिखाया तो क्यों नहीं ये बंदगी करता, कोर्निश करता? तो शिवाजी आगे आगे, शिवाजी ने कहा मैं जानता हूं किस तरह कोर्निश की जाती है, और वो मुड़ गया अपने बाप की तरफ और बाप के चरणों में सर रख दिया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैं ऐसी कोर्निश करना जानता हूं, मैं अपने बाप के सिवाय और किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। बोला, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, आप चाहे तो सर काट दो, ताकत हो तो काट दो। लेकिन शाहजी बड़े लड़ैया थे, क्या जो भी बड़े बड़े दक्षिण भारत में युद्ध होते थे उन सभी युद्धों में वो जीत कर आते थे, इसलिए वो उनके रुतबे से डरता था अंदर से। कौन? सुल्तान। शाहजी ने कहा, साहब ये अभी बच्चा है, इस बच्चे की बुद्धि पे क्यों जाते हैं, आगे चल के सीख जाएगा। बस वो तो अंदर से डरता ही था,
रास्ता मिल गया। अच्छा हाँ ठीक है, तो देखो इस मनुष्य सृष्टि की बीज रूप पावरफुल एक ऐसी आत्मा है कि जिसने सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस रूप में जन्म लेकर पार्ट बजाया हो, चाहे राजा के रूप में चाहे साहित्यकार के रूप में, जहां भी पार्ट बजाया होगा, हीरो पार्टधारी बनकर पार्ट बजाया, किसी के सामने झुकने की तो बात है। तो बताया, बच्चा अपने को भी जानेगा और अपने बाप को भी जानेगा। वो राम वाली आत्मा है ना, वो अपने को भी जानती है, मैं सूर्यवंशी हूं। उनके परिवार में एक लिंग स्वामी की पूजा होती है, एक लिंग के अलावा कोई दूसरे लिंग को मानने वाले नहीं है। जो शिवलिंग शिवालय में पूजा जाता है, गांव गांव में, शहर शहर में, देश विदेश में खुदाइयां हुई, तो सबसे जास्ती तादाद में वो लिंग मूर्तियां मिली। इसे साबित होता है कि कोई एक ऐसा टाइम हुआ है जो सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां विख्यात हो गई थी। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, वो शिवलिंग साकार भी है, जिसका शाक्य के यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया, हीरे के रूप में बिंदु जड़ा हुआ था और लाल पत्थर के रूप में लिंग था। वो लाल पत्थर लाल क्यों? क्योंकि लाल रंग क्रांति का सूचक है। जैसे हमारे झंडे में सबसे ऊपर का वस्त्र कैसे रंग का है? केसरिया रंग, लाल रंग का सारे संसार में क्रांति ज्ञान की कर देता है और क्रांति के आधार पर शांति पैदा करता है, दुनिया शांत हो जाती है, क्योंकि सारी वसुधाई एक बाप का कुटुंब, एक बाप का परिवार बन जाती है। वसुधैव कुटुंबकम। जो दुनिया आज बोलती तो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बोलते हैं, कि प्रैक्टिकल में बनते भी हैं? बोलते हैं। कोई भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आकर के ये काम नहीं कर सका। एक ही मनुष्य मात्र है, जिस मनुष्य मात्र का हीरो पार्टधारी का नाम शंकर शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो शंकर ही आदम है, सृष्टि का आदि पुरुष है, एडम है, आदिनाथ है, आदि देव है। वो ही देवताओं की दुनिया में महादेव है, क्योंकि आज भारत में गांव गांव में, शहर शहर में, शिवालयों में उसी की पूजा होती है। किसकी? ऊपर वाली ज्योतिबिंदु आत्मा की या नीचे वाले मनुष्य आत्मा हीरो पाटधारी की है? उसकी नहीं है, है? हाँ, वो तो स्वयं कहता है ब्रह्म वाक्य मुरली में, मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। पूज्य बनू तो मुझे पूज्य बने योग्य देवताओं के श्रेष्ठ कर्म करने पड़े। मैं न श्रेष्ठ कर्म करता हूं न भ्रष्ट कर्म करता हूं,
मैं करता हूं ही नहीं, मैं करता हूं या अकरता हूं, वो तो अकरता है। मैं देवात्मा बनकर के सुख भोगता ही नहीं, मैं भोगता हूं या अभोगता हूं, मैं तो अभोगता हूं। हां, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूं तो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है उस बड़े भाई को अपने अखूट भंडार जो मुझ बाप का बरसा है, क्या ज्ञान का अखूट भंडार, वो अपने बच्चे को देता हूं। वो अखूट भंडार को वही बच्चा धारण करता है, इस मनुष्य सृष्टि पर कोई बच्चा धारण ही नहीं कर सकता। मुझे पूरा पूरा पहचानता ही नहीं कि मैं आकर क्या करता हूं। मैं आता हूं, वो कहता है मैं आता हूं, मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं, उसकी यादगार है महाशिवरात्रि। क्या बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। कैसी अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिसमें सारी दुनिया के सभी धर्म के मनुष्य मात्र तो अज्ञान अंधकार में होते ही हैं, लेकिन वो भारतवासी आत्माएं जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, हुई थी ना जन्म जन्मांतर, सभी धर्मों में भारतवासी ही कन्वर्ट हुए ना, वो कन्वर्ट हुई आत्माएं भी अभी ब्राह्मण बनी हैं। क्या बनी है? ब्राह्मण बनी है। नंबर वार नौ धर्म है तो नौ कुरियों के ब्राह्मण बने हैं, तो जो नौ कुरियों के ब्राह्मण बने हैं वो नौ कुरियों के ब्राह्मण बेसिक ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अभी भी पल रहे हैं, तुम बच्चे भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पले हो, कोई इस जन्म में कोई पिछले जन्म में, तुमने भी बेसिक नॉलेज लिया, अभी तुम एडवांस ज्ञान ले रहे हो। क्या जो सुप्रीम टीचर है वो तुमको एडवांस नॉलेज दे रहा है, उससे एडवांस एनालिस की बतौर तुम समझ सकते हो कि मैं सूर्यवंशी आत्मा हूं, चंद्रवंशी आत्मा हूं, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हूं, या किस धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हूं, किस धर्म में मैंने जन्म जन्मांतर जन्म लेकर पार्ट बजाया है, अभी तुम बच्चे जान सकते हो, क्योंकि तुम मनुष्य सृष्टि के जो बीज रूप बाप है उसके डायरेक्ट बच्चे हो। क्या तुमने किसके घर में जन्म लिया? बच्चा होता है तो बाप के घर में जाके जन्म लेता है ना, कहां जन्म लिया तुमने जाकर जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी टाइटल मिल गया? अरे तुमने जैसे गर्भ में आत्मा नौ महीने पलती है, ऐसे तुमने 100 वर्ष के शूटिंग पीरियड शॉर्ट टाइम में 9 दिन की भट्टी की या नहीं की? उस गर्भ में बाप के घर में जाके पले या नहीं पले? कोई ऐसा हो जो न पला हो वो हाथ उठाओ, कैमरा घुमाओ, हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठाता। इसका मतलब है कि सभी आत्मा रूपी बच्चों ने, बीज रूप आत्माओं ने बाप के घर में, जो बाप का घर है वहां जाकर के 9 दिन की भट्टी में
जैसे गर्भ में बच्चा पलता है वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सांस लेता है, बाहर की दुनिया का उसको स्मृति नहीं रहती। ऐसे तुम बच्चों ने 9 दिन गर्भ में रहकर 1 दिन आना 1 दिन जाना और 7 दिन बीच में, 9 दिन तुम बाप के घर में पले हो गर्भ में, ज्ञान गर्भ जिसे कहा जाता है, और पलकर फिर तुमने पहचाना कि मेरा बाप कौन है। नंबर वार पहचाना। कोई तो ऐसे भी होते हैं गर्भ में ही मर पड़ते हैं, होते हैं कि नहीं? 9 महीने पूरे हुए नहीं और 6 दिन के अंदर ही बाहर पांव निकाल दिया, बाहर की दुनिया में चले गए, तो बच्चा परिपक्व हुआ नहीं और पहले ही गर्भपात हो गया। ऐसे भी बच्चे हैं, आगे चल करके आ जाएंगे। जाएंगे कहां? एक बार आए हैं तो दोबारा आएंगे, हट्टी तो एक ही है, दूसरी कोई हट्टी तो है ही। मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने की दुकान एक ही है। क्या? इस मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त कराने वाला दुकानदार एक ही है। कौन? सिर्फ साकार या सिर्फ निराकार, या साकार निराकार का मेल है? साकार निराकार का मेल कब मेल होता है? जब वो साकार पुरुषार्थ करते करते निरंतर निराकारी स्टेज में टिक जाता है। जो ब्रह्म वाक्य मुरली का महावाक्य है, क्या? कि मैं तुम बच्चों को, वो क्या कहता है? मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। क्या? जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूं, वैसे तुम बच्चों को भी नंबर वार निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाऊंगा। तो कोई आत्मा तो बाप समान निराकारी ज्योति बिंदु बनती होगी या नहीं बनती होगी? जो बनती है वही हीरो पार्टधारी, हीरो पार्टधारी वो या वो, नीचे वाला साकार या ऊपर वाला निराकार है? साकार हीरो पार्टधारी। जो हीरो पार्टधारी है वो हीरा होता है, हीरा को हीरो पार्टधारी कहा जाता है, बेशकीमती। मैं न हीरो बनता हूं, बनता है वो हीरो नहीं बनता। मैं किसी गिनती में ही नहीं आता। क्या? मैं तो निराला हूं, तुरिया हूं, मेरे जैसी कोई आत्मा सचरूपी रंगमंच पर है ही नहीं। तो तुलना किससे करोगे? है? अरे फूलों में बड़ा फूल कमल फूल कहा जाता है, तो सारे ही फूल हैं, तब तो कमल फूल किंग फ्लावर कहा गया है। और फूलों के बीच में रूहे गुलाब फूलों की रानी कही जाती है, तो सभी फूल हैं सुगंध देने वाले। क्या? क्या उनमें गुण है ना? दिव्य गुणों की खुशबू का भंडार है उनमें। किनमें? रानियों में पवित्रता का, पवित्रता की खुशबू का भंडार है। जहां अपवित्रता होती है, वैश्याएं होती हैं, उनके शरीर में से बदबू आती है। जो सती साध्वी होती हैं, वो बदबू का नाम निशान नहीं,
तो बोला वैश्याओं में जात जाति का खून पड़ता है कि नहीं है? तो जात जाति का खून पड़ेगा तो खून बिगड़ेगा कि सुधरेगा? बिगड़ेगा। तो तुम बच्चों में जो राजा रानी बनने वाले हैं उनमें कोई किंग ऑफ फ्लावर वो क्या नाम कमल के फूल हैं छोटे बड़े नंबर वार, और कोई गुलाब के फूल हैं, कोई रूह है गुलाब हैं, कोई ऐसे भी गुलाब हैं जिनमें रूहानियत की खुशबू होती नहीं, देखने में बड़े सुंदर हैं। क्या देखने में सुंदर हैं लेकिन देह अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है, देह के संग के रंग के बिना रहते ही नहीं। तो देहवान की बदबू भरी हुई है इसलिए उनमें खुशबू नहीं आती। देखा है विदेशी गुलाबों को लाल 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 बड़े अच्छे कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं लेकिन खुशबू नहीं होती। तो ऐसे ही तुम बच्चे नंबरवार फूल हो, उनमें जो अव्वल नंबर फूल है कमल का फूल, क्या शंकर जी को कौन से फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ। तो वो कमलासन है, गृहस्थियों के बीच रहता है, गृहस्थियों को ज्ञान देता है, गृहस्थियों के पास खाता है पीता है रहता है और गृहस्थी बनकर रहता है। घर गृहस्थ की कीचड़ में रहता है। क्या विषपाई है या नहीं है? तो कीचड़ हुआ ना, कीचड़ में रहता है लेकिन बुद्धियोग से उपराम रहता है। ये कमल फूल का गायन है, कमल फूल को कीचड़ में डुबो दो और ऊपर उठाओ, कीचड़ रहेगा? कीचड़ की एक बूंद भी नहीं रहेगी। तो बताया कि निशानी है एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी। ये कमल फूल जैसा जीवन बिताने वालों की यादगार है। तो बताया बच्चा अपने आप को भी पहचानता है और अपने बाप को भी पहचानता है। अपने को नहीं पहचानेगा तो बाप को भी नहीं पहचानेगा। और ये तो तुलसीदास की रामायण में ही तुलसी ने लिखा है, क्या जेहि जानौ तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। क्या क्या बोला? बोला तुलसीदास ने अपने भगवान को बोला जेही जानहु तुम तेही उसको देव जनाई, जिसको तुम ही जानते हो और दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई उस हीरो पार्टधारी को नहीं जानता। जेही जानहु तुम जानते हो ते ही उसको देह जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। क्या जानकारी दे देते हो? उसके स्वरूप की भी जानकारी दे देते हो और उसका बाप कौन है, उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला बाप कौन है, उसकी भी जानकारी देते हो। माने हे भगवान तुम अपनी जानकारी भी उसे देते हो हैं और उसकी भी जानकारी उसे दे देते हो। समझ में आया? जे ही जानो ते ही देव जनाई, और जानत तुम्हें वो क्या करता है, तुमको जान करके तुम ही हुई जाई।
वो तुमको जान जाता है तो क्या बन जाता है, तुम ही हुई जाई, तुम ही बन जाता है, क्या बन जाता है, हैं? हाँ है साकारी, लेकिन तुम निराकार को जान करके क्या बन जाता है, निराकार ज्योति बिंदु बन जाता है, जो शिवलिंग सोमनाथ मंदिर में निराकार आत्मा के रूप में, हीरा के रूप में और साकार लिंग के रूप में पूजा गया, वो शिवलिंग किसकी यादगार हुआ, सिर्फ निराकार की या सिर्फ साकार की या निराकार साकार दोनों के मेल की, साकार में निराकार निरंतर स्मृति में रहे, उस साकार निराकार के मेल को तुम बच्चे कहते हो शिव बाबा, भक्ति मार्ग में भी कहते हो ना शिव बाबा, क्या कहते हो हैं? भक्ति मार्ग में तुम शिव बाप बोलते आए या शिव बाबा बोलते आए, क्या बोलते आए, शिव बाबा, शिवलिंग बोलते आए या शंकर लिंग बोला, शिवलिंग बोला, क्यों है तो शंकर वाली आत्मा, जो शरीर है लिंग यादगार है बड़ा रूप, वो शंकर का शरीर रूपी लिंग है, लिंग निराकार को तो नहीं होता, होता है निराकार को नहीं होता, तो जो कहता है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है, क्या देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती, मेरे लिंग की पूजा होती है, देवताओं की और इंद्रियों की पूजा होती है, हस्त कमल पाद कमल मुख कमल नेत्र कमल पूजा होती है ना, तो देवताओं की अन्य इंद्रियों की पूजा और तुम्हारी वो है हाँ, मेरे लिंग की पूजा, ये कहने वाला कौन है, वो कहता है मेरे लिंग की पूजा होती है, उसको लिंग होता है, होता ही नहीं, तो जिसको होता है वो है साकार मनुष्य सृष्टि का बाप, वो कहता है मेरे लिंग की पूजा होती है, वो तो कहता है ना मैं पूज्य बनता हूं ना पुजारी बनता हूं, मेरी पूजा होती ही नहीं, तो जिसकी पूजा होती है लिंग की वो है मनुष्य सृष्टि का साकार मनुष्य, जो अविनाशी मनुष्य है, जिसका शरीर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भूत भविष्य वर्तमान में कभी लोप होता ही नहीं। तो बताया वेद के बाप को अपना और तेरा परिचय देने के लिए आना पड़ता है, वो किस लिए आता है, किस लिए आता है, है? अपना भी परिचय देता है और तेरा मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देता है, किसको देता है, अपने बड़े बच्चे को देता है, फिर बड़ा बच्चा वो परिचय प्राप्त करके अपना और अपने बाप का परिचय प्राप्त करके बाप समान बन जाता है, अथॉरिटी हिस्ट्री में जो राजाओं के बड़े बच्चे हुए हैं वो अपने बाप की अथॉरिटी बने या नहीं बने, राज्याधिकारी बने या नहीं बने, बने, तो ये परंपरा यहां से शुरू हुई, वो सुप्रीम सोल बाप ने ये परंपरा डाली, दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी परंपराएं हैं वो बाप आकर डालते हैं, और जितनी गलत गलत खराब खराब परंपराएं हैं वो मनुष्य डालते हैं, इसलिए नर नरक बनाता है, क्या बनाता है, नरक बनाता है और स्वयं स्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है, वो बनाता है स्वर्ग तो कौन बनाता है, जिसमें प्रवेश करता है वो स्वर्ग बनाता है, कैसे, सदा काल स्वयं स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करके,
सदैव स्वस्थिति में रहेगा तो स्वर्ग बना सकेगा, सदैव स्वस्थिति में नहीं रहेगा। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, स्व माने आत्मा के धर्म में, आत्मा की स्मृति में जो रहेगा वो ही श्रेष्ठ है। परधर्म मुसलमानों का धर्म, क्रिश्चियन का धर्म, सिखों का धर्म, बौद्धियों का धर्म या कोई भी देहधारी मनुष्य गुरु का धर्म अपनाएगा तो वो परधर्म है। पर माने पराए हैं, स्व अर्थात स्व माने सूर्यवंशी नहीं है, बाप के बच्चे नहीं है, इसलिए बोला स्वधर्मे निधनम से। स्व माने आत्मा के धर्म में शरीर छूट जाए आत्मा की स्मृति में तो कहां जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। और दूसरों की स्मृति में, दूसरे धर्म पिताओं की स्मृति में शरीर छोड़ेगा तो नरक में जाएगा, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म पिता हो, वो सब पर हैं, क्या पराए हैं, अपने नहीं हैं। तुम्हारा अपना एक बाप दूसरा ना कोई। तो बताया पहले पहले बाप आकर आत्मा को रियलाइज कराते हैं, ए आत्मा तुम्हारा विशेष पार्ट इस रंगमंच पर क्या है, कौन सी आत्मा को, अरे मनुष्य सृष्टि का जो बड़ा भाई आत्माओं के बीच में है, आत्मा आत्मा भाई भाई कहते हैं ना, तो उस बड़े भाई को रियलाइज कराते हैं कि तुम्हारा विशेष पार्ट क्या है। तो जो आत्मा का रियलाइज करते हो वो आत्मा का भी रियलाइजेशन कि तुम आत्मा का पार्ट क्या, तुम आत्मा का पार्ट क्या, तुम आत्मा का पार्ट क्या, तुम्हारा पार्ट क्या, उनका पार्ट क्या, ये आत्माओं के पार्ट का रियलाइजेशन कौन कराएगा। अरे नींद आ रही बहुत जोर से, वो कराएगा या कोई नीचे वाला कराएगा, है हाँ, यही जानो ते ही देव जनाई, उसके पार्ट को तुम जानकारी दे देते हो, वो जान जाता है मैं इस मनुष्य सृष्टि का बाप हूं, तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सब मनुष्य आत्माओं को अपने अपने पार्ट की जानकारी दे देता है, ऐसा ज्ञान देता है जो ज्ञान शीशे के मुआपिक पारदर्शी होता है। क्या ऐसा विद्यालय स्थापन करता है जिसे कहा जाता है मधुबन, मधुबन में मुरलिया बाजे, क्या मुरली कहां बजे, मधुबन में, और मधुबन को शीश महल बनाता है, कौन सा महल, शीशे का महल, इधर भी शीशे, पीछे भी शीशे, दाएं भी शीशे, बाएं भी शीशे, ऊपर भी शीशे, नीचे भी शीशे, शीशों में क्या दिखाई देगा, हैं? अपना और दूसरों का चेहरा दिखाई देगा या नहीं देगा, हैं? दिखाई देगा। और सबसे बड़ा शीशा बताया है ब्रह्म वाक्य मुरली में, सबसे बड़ा शीशा है मनुष्य सृष्टि का बाप, आत्माओं का बाप परमात्मा। क्या कहा है, आत्मा को कौन रियलाइज कराएगा, आत्माओं का बाप परमात्मा, ऐसे नहीं हर आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा बनती है लेकिन हर आत्मा सो परमात्मा नहीं बनती, एक आत्मा है जो परे ते परे स्टेज में पुरुषार्थ करके पहुंच जाती है, वो
परमात्मा कही जाती है। जिसकी यादगार मंदिर बनता है यहाँ, ऊंचे ते ऊंचा मंदिर बनता है। कौन सा मंदिर है यादगार? अरे ऊंचे ते ऊंची स्टेज में कोई मंदिर ही नहीं है। कौन सा मंदिर? अमरनाथ। किसका नाथ? अमर माने जो मरते ही नहीं देवताएं। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना चाहें तो छोड़ते हैं, इच्छा नहीं है तो शरीर नहीं छोड़ते। इच्छा मृत्यु को कहा जाता है अमर। ऐसे अमर देवताओं का नाथ है। क्या ऐसी आत्माएं जो अमर बनती हैं, तो अमर बनने से पहले उन आत्माओं को नाक में नकेल डाल देता है, नाथ बन जाता है। नाथ माने स्वामी, नाथ माने स्वामी। शादी होती है तो पत्नी को नाक में क्या डाल देते हैं? हैं? नकेल डाल देते हैं। घोड़ा होता है, घोड़े को कब्जे में करते हैं तो क्या डाल देते हैं? हैं? लगाम डाल देते हैं। बैल होता है तो बैल से काम लेने के लिए क्या करते हैं? हैं? नाक में नाथ डाल देते हैं ना। वैसे भी भक्ति मार्ग में कितने नाथ गाए हुए हैं? नौ नाथ गाए हुए हैं। कितने नाथ गाए हुए हैं? नौ नाथ गाए हुए। उन नौ नाथों में एक है वैल्यूलेस और आठ है वैल्यूबल। जो आठ दिशाओं के मालिक आठ दिग्पाल कहे जाते हैं। दिग्पाल माने दिशाओं को पालने वाले। कोई पूर्व दिशा को, कोई पश्चिम दिशा को, कोई उत्तर दिशा को, कोई दक्षिण दिशा को पालना करते हैं। फिर उनकी कोण की दिशाएं भी हैं। चार दिशाओं के कोने भी हैं, उनको भी पालने वाले कोई हैं। तो आठ दिग्पाल गाए हुए, अष्टदेव गाए हुए हैं। क्या अष्टदेवों की पूजा कहाँ होती है? दक्षिण भारत में होती है। अष्टदेवों की पूजा नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है। अष्टदेवों के मंदिर दक्षिण भारत में यादगार बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, पूजा भी होती है। नॉर्थ इंडिया में पूजा नहीं होती। क्या कारण? क्योंकि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। क्या? जो विदेशी हैं वो विदेशी भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं। विदेशी बुद्धिमान होते हैं या भारतवासी बुद्धिमान होते हैं? तो वो विदेशी भगवान को पहचान लेते हैं और पहचान करके उनकी मूर्तियां बनाते हैं अष्टदेवों की। जो पहले पहचानते हैं और दक्षिण भारत वालों को पहचान देते भी हैं, मूर्तियां बनाते हैं, मंदिर यादगार बनाते हैं, है? और दक्षिण भारत में ही उनकी पूजा होती है। नॉर्थ इंडिया में अष्टदेवों की मूर्तियां नहीं बनाई जाती। उड़ीसा में बनाई जाती है। अष्टदेवों के मंदिर हैं? नहीं, दक्षिण भारत में है। तो कारण क्या? कहां प्रत्यक्ष होते हैं? प्रत्यक्षता रूपी उनका जन्म किनके बीच में होता है? अरे बच्चा पैदा होता है तो पहले घर वाले पहचानेंगे या बाहर वाले पहचानेंगे? तो ये अष्टदेव विदेशों में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं या स्वदेश जो भारत नॉर्थ इंडिया कहा जाता है वो पहले पहचानते हैं। वैसे भी देखो एडवांस ज्ञान नॉर्थ इंडिया वाले पहले
लेते हैं या दक्षिण इंडिया वाले लेते हैं? ईश्वरीय ज्ञान को पहले कौन पहचानते हैं? दक्षिण भारत वाले पहले पहचानते, नॉर्थ इंडिया वाले नहीं पहचानते, और अभी भी नॉर्थ इंडिया में पहचान नहीं है। इसलिए नॉर्थ इंडिया के जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, वो ज्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं। दक्षिण भारत में उनका प्रभाव नहीं है। दक्षिण भारत वाले अंधश्रद्धा के आधार पर, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। ये भारतवासी हैं जिनके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। ये टीवी चैनल्स को सुन करके, ये मोबाइल देख देख करके, ये इंटरनेट को सुन सुन करके, अखबारों की बातें सुन सुन करके, इंटरनेट को व्याख्या दे दे सुन सुन करके माथा खराब कर लेते हैं। इतना माथा खराब करते हैं कि चेहरा ही उतर जाता है, खुशी गायब हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? ये संगम युग मौजों का युग है या चेहरा लटकाने का युग है, रोने का युग है, हैं? मौजों का युग है। इस संगम युग के थोड़े से समय में अगर हमने मौज को गंवाई दिया, चेहरा उतर गया, खुशी चली गई, तो वहां लंबे समय तक खुशी चली जाएगी जन्म जन्मांतर के लिए। वो ब्रॉड ड्रामा 5000 वर्ष का है और यहां शूटिंग सिर्फ 100 वर्ष में होती है, तो देखो कितना अंतर पड़ेगा। इतना ज्ञान का भंडार होना चाहिए आत्मा के अंदर कि कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी ना जाए। क्या बाप आकर हमको क्या देते हैं, हैं? क्या देते हैं? ज्ञान से आती है खुशी और अज्ञान से आता है दुख। क्या ज्ञान से सुख आता है, खुशी आती है, और अज्ञान से दुख आता है। मनुष्यों से जो मिलता है, सुनी सुनाई बातों से जो कुछ मिलता है, वो मिलता है अज्ञान, और भगवान से जो मिलता है वो है ज्ञान। जिससे खुशी आए वो है ज्ञान। तो ये पहचान है। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे, दुर्गति को पाएंगे, तो वहां भी द्वापर युग से जो धर्म पिताएं आएंगे, सुनी सुनाई बातें सुनाएंगे, तो उनकी बातों से हमारी दुर्गति होगी, दूसरे धर्म में चले जाएंगे। क्या दूसरे धर्म में बोले जाएंगे तो हमको दास दासी बना के रखेंगे या राजा बना के बैठाएंगे? दास दासी बना के बैठाएंगे। और दास दासी दुखी होते हैं, उनके ऊपर राज्य करने वाले सुखी रहते हैं। दास दासियों के पास ज्यादा धन संपत्ति होती है, साहूकार होते हैं, या उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले ज्यादा साहूकार होते हैं? है? उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले जो मालिक होते हैं वो ज्यादा साहूकार होते हैं। वो गरीब होते हैं और वो साहूकार होते हैं। इसलिए तुलसीदास ने बोला, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा, गरीबी के समान दुनिया में कोई भी पाप का ढेर नहीं है। क्या सबसे बड़ा दुख है? गरीबी। रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिला, क्या खाने के लिए रोटी नहीं, बच्चे भूख मर रहे हैं। उड़ीसा वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं,
और स्टेट्स में इतना मरा नहीं पड़ता है भूखों से। ये उड़ीसा तो प्रसिद्ध है, यहाँ की ऐसे ऐसे परिवार हुए हैं जो पूरे के पूरे परिवार भूख से मर गए, अखबारों में, ऑल इंडिया में, सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ की माताएं ऐसी हो गई भूख से व्याकुल कि अपने बच्चों को ही काट के खा गई। वैसे भी देखा जाए भारत का कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है? उड़ीसा। अभी बाप कहते हैं, सबसे बाप कहते हैं ऐसी याद में उड़े जो कभी कोई पकड़ नहीं सकता। पकड़ लेते हैं और गिराए देते हैं, जन्म जन्मांतर की कमाई चट्ट हो जाती है। 5 मार से नीचे गिरते हैं तो हड्ड गुड्ड टूट जाते हैं, पुरुषार्थ करने योग्य ही नहीं रहते। इसलिए बताया कि आत्मा का रियलाइजेशन परमात्मा के सिवाय कोई नहीं करा सकता। परमपिता शब्द भी यहां नहीं बोला। क्या ब्रह्मवाक्य मुरली में परमात्मा बोला? परमात्मा से पहले परमपिता शब्द नहीं बोला। आत्मा का रियलाइजेशन कौन करा सकता है? हैं? परमात्मा करा सकता है। जो परमात्मा का नाम शब्द परमपिता के बाद आता है, जैसे शिव के बाद शंकर आता है, तो शिव है परमपिता जिसका कोई पिता नहीं, और शंकर है या मनुष्यों का बाप, देवताओं का बाप, वो राक्षसों का भी बाप है, वो देवताओं का भी बाप है, वो मनुष्यों का भी बाप है। ब्रह्म वाक्य है मुरली में, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग की दुनिया किसकी है? देवताओं की। देवताओं में बड़ा देवता कौन? महादेव। तो नरक की दुनिया उसकी नहीं है? नरक की दुनिया में पराई स्त्री पर पुरुष का विष पीते हैं। विष किसे कहा जाता है? पर स्त्री पर पुरुष के भोग करने को विष कहा जाता है। और कौन है विष पाई है? इस संसार में शास्त्रों में कोई विष पाई गाया हुआ है? है? शंकर है। वो विष पीता है, तो जो विष पीने वाला है वो बड़े से बड़ा राक्षस हुआ या नहीं हुआ? है? बड़े से बड़ा राक्षस। वो जो अमृत पीता है वो बड़े से बड़ा देवता हुआ। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, माने ब्रह्मा के मुख से जब तक बोलते रहे तब तक गीता ज्ञान था। क्या कहा? क्या था? गीता ज्ञान था ब्रह्मा के जीते जी, अमृत नहीं था। क्यों? क्योंकि उस गीता ज्ञान का ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मंथन ही नहीं किया। ब्रह्मा ने ही मंथन नहीं किया? जब ब्रह्मा ने ही मंथन नहीं किया तो ब्रह्मा कुमार कुमारी मंथन करेंगे? जब तक ब्रह्मा जीता रहा कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने ब्रह्म वाक्यों का मंथन नहीं किया। फिर ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो आया दूसरा शेर संसार रूपी जंगल में, राम वाली आत्मा, वो मंथन करती है, जिसके लिए शास्त्र में बोला गया क्या?
क्या बोला है? क्या बोला? शास्त्रों में बोला गया चित्रकूट महिमा अमित कही वहां मुनि गाय। क्या कूट माने पहाड़, एक विचित्र पहाड़ है जिसकी बड़ी भारी महिमा है। कैसा पहाड़? विचित्र पहाड़ चित्रकूट। उस चित्रकूट में परम ब्रह्म का वास है। क्या किसका वास है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म माने परे ते परे रहने वाला ब्रह्मा, ऊंचे ते ऊंचे स्टेज वाला ब्रह्मा। कौन है ऊंचे ते ऊंचे स्टेज वाला ब्रह्मा? आत्मिक स्टेज धारण करने वाले रुद्र बच्चों का मां या देहभिमानी ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनसे रुंडमाला तैयार होती है उनका बाप ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु की है रुंडमाला, विष्णु की है रुंडमाला और रुद्र की है रुद्रमाला, मुंडमाला। मुंड में आत्मा है मनन चिंतन मंथन करने वाली और ये रुंड है धड़, ये मनन चिंतन मंथन नहीं करता। हाँ पवित्र रह सकता है। क्या पवित्र रह सकता है? और पवित्रता में श्रेष्ठ है विष्णु। कौन श्रेष्ठ है? हैं? पवित्रता में श्रेष्ठ है विष्णु, वैष्णव देवी। तो दोनों मालाओं में पहले कौन तैयार होती है? मुंडमाला जिसे रुद्रमाला कहा जाता है या रुंडमाला धड़, पहले कौन सा माला तैयार होती है? रुद्रमाला, मुंडमाला, मनन चिंतन मंथन करने वाली माला। तो जो रुद्राक्ष की यादगार है, कई की यादगार? रुद्राक्ष की यादगार। वो रुद्र की आंखें हैं, अक्ष माने आंख, वो रुद्राक्ष के मन के रुद्र की आंखें हैं जिनमें मुख भी बने हुए हैं। कोई में एक मुख, कोई में चार मुख, कोई में अनेक मुख बहुमुख, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। क्या ऐसे वो रुद्रमाला के मणके हैं, बले लूले लंगड़े हैं लेकिन रुद्र की आंख हैं। वो रुद्र किसकी आंखों से देखता है? हैं? रुद्राक्ष के जो मणके हैं 108 उनकी आंखों से देखता है। उनमें पहला मणका कौन सा है? हैं? स्वयं रुद्र पहला मणका है और उसके साथ जो दूसरा मणका है उसको कहते हैं रुद्राणी। क्या रुद्र और रुद्राणी, वो रुद्र और रुद्राणी बड़े से बड़े योगी हैं। ये नंबर वार की लिस्ट में रुद्र पुरुषों में बड़ा योगी और रुद्राणी स्त्रियों में बड़ी योगिनी। योगिनी माता का नाम सुना है? योगिनी माता क्या करती है? हैं? योगिनी माता क्या करती है? माता है ना, धरणी है ना, हैं? निराकारी स्टेज में रहती है ना। तो जो निराकारी ऊंची स्टेज में रहती है उस धरणी रूपी माता का नाम तुलसीदास ने दिया है चित्रकूट। कूट माने पहाड़। कैसा पहाड़? विचित्र पहाड़ है।
उस विचित्र पहाड़ की ऊंचाई पर वो मणका जो क्या कहा जाता रुद्राणी क्या मना योगिनी माता निवास करती है, जो भी जाएगा चित्रकूट में उस माता का दर्शन जरूर करेगा। कहां है चित्रकूट पहाड़ पर जहां बस्ती बसी हुई है वहां रहती है या जंगल में रहती है, है? कहां रहती है? जंगल में यादगार मंदिर दिखाया हुआ है क्या? किसी से लगाव लगाने वाली नहीं, वो निराकारी स्टेज में रहने वाली योगिनी है। वो योगिनी योगी राज के साथ क्या काम करती है, क्या काम करती है? जिस काम के लिए वो बाप इस सृष्टि पर आता है ना, किसी मनुष्य में प्रवेश करता है, करता है या नहीं करता है? जिस मनुष्य में प्रवेश करता है वो पुरुष होता है या स्त्री है? पुरुष। लेकिन उससे काम पहले क्या लेना है, माता का या पिता का? माता का काम लेना है। माता का काम लेना है तो माता का काम है राजधानी स्थापन करना, सूर्यवंश की स्थापना करना। वो सूर्यवंश की पालना करने वाली माता है। जब से रुद्र वक्षों के बीच में प्रत्यक्ष होती है तब से रुद्र वक्षों की माला बनना आरंभ हो जाता और वो आत्मा राजधानी स्थापन करने में विशेष कार्य करती है। योगी विशेष काम करेगा राजधानी स्थापन करने में या भोगी करेगा? योगिनी माता और योगी राज, तो दोनों से मिलकर के राजधानी स्थापन होती है, राजा की धारणा शक्ति स्थापन होती है। नई दुनिया की धारणा शक्ति कौन है? है? छोटी मां। नई दुनिया की धारणा शक्ति कौन है? छोटी मां। वो आएगी और धक से राजधानी स्थापन हो जाएगी। ओम शांति।